खूनी है। आदित्य अरुणाचलम कमिश्नर। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-2901-701 पर। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके मूवी फैक्ट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है दरबार। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी साउथ की तमिल भाषा को हिंदी डब में यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ दरबार मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतलाएंगे, साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम बतलाएंगे ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से बात कर लेते हैं दरबार फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों, इस फिल्म को इंडिया के अंदर 9 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों, वहीं पर बात कर ले दरबार मूवी की बजट के बारे में, तो इस फिल्म को 190 करोड़ के बजट में बनाया गया था। और बात कर ले इस मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों दरबार फिल्म ने 250 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ की तमिल फिल्म बन गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नयनतारा, नमिता थॉमस एंड सुनील शेट्टी इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। और फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए आर मुर्गा दास सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी भी ए आर मुर्गा दास सर ने ही लिखे हैं, जो 2020 की तमिल भाषा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म को लाइका प्रोडक्शन के बैनर तहत बनाया गया था। और बात कर ले इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में, तो फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तहत बेचा गया था, जो रिलायंस एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म को हिंदी डब में रिलीज किया गया था। दोस्तों, फिल्म के अंदर रजनीकांत आदित्य के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं, जो IPS कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस अधिकारी है। साथ ही साथ नयन थारा के बारे में हम बात कर ले तो लिली के रूप में अभिनय करती हुई नजर आई है। और नमिता थॉमस के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में आदित्य की डॉटर के रूप में अभिनय करती हुई नजर आई है। सुनील शेट्टी के बारे में हम बात कर ले तो हरिहरन हरीश चोपड़ा अजय रियल यानी कि फादर के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, बात कर ले योगी बाबू के बारे में, तो इस फिल्म में आदित्य के फ्रेंड के रूप में नजर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, अब दरबार फिल्म के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करते हैं। बता दें दोस्तों, दरबार मूवी ए आर मुर्गादास द्वारा लिखित की गई और निर्देश की गई लाइका प्रोडक्शन के तहत अली राजा सुभाष करण द्वारा निर्मित की गई 2020 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें रजनीकांत, नयनतारा, निवेता थॉमस और सुनील शेट्टी अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो अनिरुद्ध रवि, चंद्र धारा कर्मस, संतोष सिमन और ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किए गए हैं। छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो छायांकन और संपादन के साथ तैयार किया गया था, जो मार्च 2015 में रजनीकांत को ए आर मुर्गा दास के साथ अपनी अगली फिल्म पर हस्ताक्षर करने की सूचना मिली थी। और आस्कर के साथ जो फिल्म में वेणु रवि चंद्रन द्वारा जो है समर्थित की गई उनकी फिल्म लिंगम मूवी 2014 के वित्तीय नुकसान को लेकर जो है इनके साथ वितर्कों के साथ उनके मुद्दे को सुलझाने तक जो है परियोजना को रद्द कर दिया गया था।
हालांकि फिल्म की परियोजना रविचंद्रन के साथ जो है ना कि दिवालियापन का हवाला देते हुए अमल में लाने से विफल रही थी। जो 25 सितंबर 2018 को रिपोर्टर्स ने बताया था कि आई की इन साथी रजनीकांत अपनी जो है अगली परियोजना के लिए मुर्गा दास के साथ सहयोग करेंगे और सन पिक्चर धारा बैंकरों के साथ किया जाएगा, जिन्होंने बाद की सरकार मूवी 2018 वाली और पूर्व की पेटा फिल्म 2019 का निर्माण किया था। हालांकि 25 नवंबर 2018 को लाइका प्रोडक्शन ने घोषणा की थी कि पूर्व के 2.0 मूवी 2018 वाली और बाद के कत्ती मूवी 2014 के अपने जो है पिछले सहयोग के बाद फिर से रजनीकांत और मुर्गा दास के साथ सहयोग करेंगे। जो दिसंबर 2018 के आयोजन किए गए थे, जहां पे पुरस्कार समारोह में मुर्गा दास ने नरकली के रूप में फिल्म के शीर्षक के दावों का खंडन किया था और आगे कहा था कि ये फिल्म जो है मेरी पिछली हिट फिल्मों की तरह एक जो है रजनीकांत की मूवी शैली नहीं है जहाँ पे, लेकिन यह एक जो है व्यावसायिक और सामूहिक मनोरंजन मूवी होगी, जहाँ पे फिल्म का निर्माण कार्य शीर्षक के साथ जो है थलाइवर फिल्म 167 के साथ शुरू हुआ था। संगीत निर्देशक और साथी अनिरुद्ध रविचंद्रन और छयाकर संतोष जो है सिवन ने खुले तौर पर फिल्म में आने वाले अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, जो 29 मार्च 2019 को मुर्गा दास ने फिल्म की सफलता के लिए अपना करने के लिए बता दें तो पछानी मुर्गा मंदिर की यात्रा की थी और पेशाक के साथ जो है और फिल्म के शीर्षक रिलीज की तारीख की भी घोषणा की। जो 9 अप्रैल 2019 को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर लाइका प्रोडक्शन धारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था और जिसने जो है फिल्म के शीर्षक को दरबार के रूप में प्रकट किया था। रजनीकांत की पहली नजर में वह पुलिस कुत्ते बेल्ट और बैच के साथ जो इनकी हथकड़ी से घिरा हुआ दिखाया गया था और हर रजनीकांत को 27 साल बाद जो है फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए चिन्हित करता है, जिसकी आखिरी पुलिस भूमिका पंडियन मूवी 1992 में दिखाई गई थी। और एक स्वच्छताकार में निर्देशक जो मुर्गा दास ने कहा कि ये फिल्म जो है यानी कि मुंदरू मुगम फिल्म 1982 वाली फिल्म के एक चरित्र और साथ ही एक सेल जो है पंडियन जैसे जो है सख्त पुलिस वाले के बारे में ये फिल्म बनाई जाएगी। इसी तरह बता दें दोस्तों चंद्रमुखी 2005 वाली फिल्म और साथ ही शिवाजी द बॉस मूवी 2007 के बाद नयनतारा को तीसरी बार रजनीकांत के साथ सहयोग करते हुए देखा गया। फिल्म में महिला प्रधान भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। बाद में एक कैमियो खेलने के बावजूद जो है पहले ये बतलाया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर इन दरबार फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि बाद के रिपोर्टर्स से पता चला था कि सुनील शेट्टी को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया था, जिसने तमिल सिनेमा में अपनी पूर्ण शुरुआत की। अन्य तमिल फिल्मों में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के पिछले जो है प्रस्ताव को ठुकराने के बावजूद शेट्टी ने प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही साथ आपको बता दें मार्कर की शूटिंग के दौरान मुर्गा दास ने शेट्टी से संपर्क किया था, जिसके लिए शेट्टी ने अपने बाल लंबे कर लिए थे। मुर्गा दास शेट्टी के लंबे बालों के साथ कुछ खास करना चाहते थे। शेट्टी ने मुर्गा दास को अपने मैन बनाकर पूरा जो है दिखाया था और जिसे अंततः फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। और एक स्वच्छताकार में शेट्टी ने खुलासा किया था कि कैसे दरबार फिल्म तमिल सिनेमा में उनकी पहली जो है भावपूर्ण भूमिका वाली मूवी होगी और योगी बाबू इसी फिल्म के माध्यम से पहली बार रजनीकांत के साथ अपना जो है सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें 4 अप्रैल को रजनीकांत की विशेषता वाला एक जो है फोटोशूट चेन्नई के लोकप्रियता स्टूडियो में किया गया था। इस स्टूडियो में सारे अभिनेताओं को जो है फोटोशूट करने के लिए बुलाया गया था, जहां पे प्रसिद्ध फोटोग्राफर वेंकट राम के साथ और निहारिका भासिम खान द्वारा जो है डिजाइन की गई थी, जहां पे वेशभूषण और अनि और साथ ही जो है अनाधिकारिक रूप से इंटरनेट पर लीक कर दी गई थी। तस्वीरों में अभिनेता को एक पुलिस वाले के रूप में दिखलाया गया है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2019 को मुंबई में शुरू हुई थी, जहां पे रजनीकांत जो है निवेदिता थॉमस और योगी बाबू की कुछ जो है तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी। 3 मई 2019 को परी शर्मे कॉलेज के साथ जो है छात्रों के साथ और साथ ही जो है घर्षण की रिपोर्ट के बाद जो है जहाँ फिल्म को फिल्माया जा रहा था, फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था, जिसे जो है बाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म का पहला शेड्यूल 15 मई को पूरा कर लिया गया था। फिल्म का दूसरे शेड्यूल के बारे में हम बात कर ले तो 29 मई को फिर से शुरू किया गया था और 30 जून के भीतर ही पूरा किया गया था, जहां पे सुनील शेट्टी फिल्म के दूसरे शेड्यूल में शामिल हुए। 5 जून 2019 को सेट में उज्ज्वल सुरक्षा के बावजूद जो है शूटिंग स्थल से एक वीडियो ने अनौपचारिक रूप से इंटरनेट पर अपनी जो है जगह बना ली थी। फिल्म निर्माता ने जून 2019 के अंतिम हफ्ता में फिल्म की शूटिंग के दौरान इसी तरह की घटना की सूचना देते, जहां पे भारी बारिश का हवाला देते हुए टीम ने स्थान को मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था और यह बताया गया था कि फिल्म अगस्त 2019 के अंत में पूरा की जाएगी और इसी तरह हुआ।
फिल्म को अक्टूबर 2019 में पूरा कर लिया गया था और इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया। तो दोस्तों, अगर आप लोग दरबार फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म के बारे में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म के बारे में और भी अननोन फैक्ट को हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है दरबार। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों बता दें, दरबार मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की हिंदी में रिव्यू को लेकर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों, दरबार मूवी AR मुरुगदास द्वारा लिखित की गई और निर्देशित की गई। लाइका प्रोडक्शन के तहत इस मूवी को अलीराजा शुभराज द्वारा निर्मित किया गया 2020 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। साथ ही साथ इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों, इस फिल्म में रजनीकांत, नयनतारा, निवेता थॉमस और उनके साथ सुनील शेट्टी अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो मूवी की संगीत अनिरुद्ध, रवि चंद्र धारा कर्मस की गई, संतोष शिवन और ए श्री कर प्रसाद धारा किए गए हैं। वहीं पर छायांकन के बारे में हम बात कर तो छायांकन संपादन के साथ तैयार किया गया था। बता दें दोस्तों, दरबार फिल्म में रजनीकांत 27 साल बाद एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। उनकी आखिरी पुलिस वाली मूवी का पांडियन फिल्म में थी, जिसे 1992 में बनाया गया था। और बता दें दोस्तों, पांडियन मूवी 1992 में रिलीज हुई थी और ये मूवी जो है मुंबई पुलिस के आयुक्त आदित्य अरुणा सलम के ऊपर रजनीकांत का अनुसरण करता है, जो शहर में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी और साथी वेशभूषा कृति पर अंकुल लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि जब आपको बता दें, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड से जुड़े हुए एक गहरे विवाद को उजागर करते हैं, तो वह अपने गुप्त एजेंट को पूरा करने की कोशिश करता है। पहले थाइल वाइट के साथ 166 के कामकाजी शीर्षक के तहत जाना जाता था। दरबार फिल्म शीर्षक की आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल 2019 को घोषणा की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई में हुई थी और अक्टूबर 2019 में पूरी कर ली गई थी। फिल्म को थाई पोंगल के साथ 9 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। हालांकि रिलीज पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 250 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यू समय कन्वर्ट कर दे तो 31 मिलियन करोड़ की कमाई की थी। और ये मूवी रजनीकांत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। हालांकि इसे खराब प्रदर्शन करने वाला माना गया है, इसके कारण जो है वितरकों ने खूब इस फिल्म के बारे में भूख हड़ताल करने की धमकी दी और मांग की थी कि रजनीकांत अपने नुकसान की भरपाई इस फिल्म से करे। दोस्तों फिल्म को लेकर मार्च 2015 में रजनीकांत को AR मुरुगदास के साथ अपनी अगली फिल्म पर हस्ताक्षर करने की सूचना मिल गई थी और आस्कर के साथ जो फिल्म के वेणु रविचंद्र धारा समर्थित की गई थी। उनकी फिल्म लिंगा 2014 के बीड़ते नुकसान को लेकर जो है वितरकों के साथ उनके मुद्दों को सुलझाने तक जो है परियोजना को रोक दिया गया था। हालांकि आपको बता दें, परियोजना रविचंद्र के दिवालियापन के साथ हवाला देते हुए अमल में नहीं आ पाई थी, जो 25 सितंबर 2018 को रिपोर्टर्स के मुताबिक सामने आई थी कि रजनीकांत अपनी अगली परियोजना के लिए मुरुगदास के साथ सहयोग करेंगे और सन पिक्चर धारा बैंकरों के साथ किया जाएगा, जिन्होंने बाद की सरकार फिल्म 2018 की और पूर्व की पेटा फिल्म 2019 का निर्माण किया था। हालांकि 25 नवंबर 2018 को लाइका प्रोडक्शन ने घोषणा की थी कि पूर्व के लिए 2.0 2018 से लेके और बाद के जो है कथी फिल्म 2014 के अपने पिछले सहयोग के बाद फिर से रजनीकांत और मुरुगदास के साथ सहयोग करेंगे, जो अब दिसंबर 2018 में आयोजित किए गए एक पुरस्कार समारोह में मुरुगदास ने नरकली के साथ जो है रूप में फिल्म के शीर्षक के दाव का खंडन किया था और आगे कहा था कि ये फिल्म मेरी पिछली हिट फिल्मों की तरह एक रजनीकांत वाली शैली नहीं है, लेकिन ये एक व्यावसायिक सामूहिक जो है मनोरंजन मूवी हो सकती है। फिल्म का निर्माण कार्य शीर्षक जो है थाइल यानी कि थलाईवर मूवी 166 के साथ शुरू हुआ था। संगीत निर्देशक जो है अनिरुद्ध, रवि चंद्रन और छायाकर संतोष के साथ जो है शिवेन ने खुले तौर पर फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, जो 29 मार्च को मुरुगदास ने फिल्म की सफलता के लिए एक विशेष पूजा प्रार्थना समारोह करने के लिए बछानी इन साथी जो है इनकी मुरुगन मंदिर की यात्रा की थी, वहीं पे पेशकश किया गया था और फिल्म के शीर्षक और रिलीज की तारीख की भी घोषणा कर दी गई थी, जो 9 अप्रैल 2019 को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर लाइका प्रोडक्शन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था, जिसने जो है फिल्म के शीर्षक को दरबार के रूप में प्रकट किया था। रजनीकांत की पहली नज़र में वह पुलिस
कुत्तों के साथ जो है बेल्ट बैज और साथ ही हथकड़ी से घिरा हुआ दिखा था। और ये रजनीकांत को 27 साल बाद फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए चिन्हित करता है। इसकी आखिरी पुलिस भूमिका पंडियन मूवी 1992 में दिखाई गई थी, जो एक साक्षात्कार में निर्देशक जो है मुर्गा दास ने कहा था कि फिल्म यानी कि मंदरू मुगम मूवी 1982 के साथ फिल्म के एक चरित्र जो है यानी कि एलेक्स पंडियन जैसे जो है यानी कि सख्त पुलिस वाले के बारे में मूवी है, जहाँ पे फिल्म को रिलीज होने के बाद बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दरबार मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाता है। दोस्तों चंद्रमुखी के साथ 2005 में और शिवाजी द बॉस फिल्म 2007 के बाद जो है नयनतारा को तीसरी बार रजनीकांत के साथ सहयोग करते हुए देखा गया। फिल्म में महिला प्रधान भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। बाद में एक कैमियो खेलने के बावजूद जो है पहले यह बताया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर के साथ जो है दरबार फिल्म में प्रमुख प्रदीप पक्षी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि बाद के रिपोर्टर्स से पता चला था कि सुनील शेट्टी को मुख्य प्रदीप पक्षी के रूप में लिया गया था, जिसने तमिल सिनेमा में अपनी पूर्ण शुरुआत की थी। अन्य तमिल फिल्मों में प्रदीप पक्षी की भूमिका निभाने से पिछले जो है प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बावजूद शेट्टी ने प्रदीप पक्षी की भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही आपको बता दें, मराकर की शूटिंग के दौरान जो है मुर्गा दास ने शेट्टी से संपर्क किया था। इसके लिए शेट्टी ने अपने बाल लंबे कर लिए थे, जहाँ पे मुर्गा दास शेट्टी के लंबे बालों के साथ कुछ जो है खास करना चाहते थे। शेट्टी ने मुर्गा दास को अपने मैन बन का रूप दिखाया था, जिसे जो है अंततः फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। और एक सचेताकार में शेट्टी ने खुलासा किया था कि कैसे दरबार तमिल सिनेमा में उनकी पहली भावपूर्ण भूमिका है, जहां पे योगी बाबू इसी फिल्म के माध्यम से पहली बार रजनीकांत के साथ अपना सहयोग करने जा रहे थे। 4 अप्रैल को रजनीकांत की विशेषता वाला एक जो है फोटो शूट चेन्नई के लोकप्रियता स्टूडियो में आयोजित किया गया था, जहाँ पे प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो है वेंकट राम के साथ और साथी निहारिका भासिन खान द्वारा जो है डिजाइन की गई थी, जो वेशभूषा और साथी अनाधिकारिक के रूप में इंटरनेट पर लीक कर दी गई थी। तस्वीरें में अभिनेता को एक पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2019 को मुंबई में शुरू हुई थी। रजनीकांत निवेदा थॉमस के साथ जो है योगी बाबू की कुछ जो है तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जहां पे 3 मई 2019 को एक जो है परिसर में कॉलेज के छात्रों के साथ जो है कि उनके साथ घर्षण की रिपोर्ट के बारे में, जहाँ पे फिल्म को फिल्माया जा रहा था, फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है वहीं पे, जिसे बाद में फिर से शुरू किया गया था। और फिल्म का पहला शेड्यूल जो है 15 मई को पूरा किया गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 29 मई को फिर से शुरू किया गया था, 30 जून के भीतर ही पूरा किया गया था, जहाँ पे सुनील शेट्टी फिल्म के दूसरे शेड्यूल में शामिल हुए थे, जो 5 जून 2019 को सेट में उच्च जो है सुरक्षा के बावजूद जो है शूटिंग स्थल से एक वीडियो के साथ जो है यानी कि अनौपचारिक रूप से इंटरनेट पर अपनी जगह बना ली थी। फिल्म निर्माताओं ने जून 2019 के अंत तक जो है समाप्त फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है इसी तरह की घटना की सूचना दी थी, जहाँ पे बहुत ही बड़ी यानी कि बारिश का हवाला देते हुए टीम ने स्थान को मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और ये बताया गया था कि फिल्म जो है अगस्त 2019 के अंत में पूरी हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि 2019 के अक्टूबर में फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग कर लिया गया था। और आपको बता दें, मूवी को 2020 में रिलीज भी कर दिया गया, जहाँ पे फिल्म को रिलीज होने के बाद अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलता है, और मैं भी इस मूवी को यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नीचे कमेंट करके बता सकता हूँ ये फिल्म यहाँ पे अपलोड होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, मैं अपने चैनल पे सिर्फ मूवी की एक्सप्लेनिंग करता हूँ और फिल्म से जुड़े रोमांटिक फैक्ट को ही यहाँ पे बतला पाता हूँ, इसके वजह से मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। तो दोस्तों दरबार फिल्म 2020 की सुपरहिट मूवी है, जहाँ पे आपको रजनीकांत देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फिल्म के दूसरे शेड्यूल को पूरा करने के बाद फिल्म के निर्माता ने 10 जुलाई 2019 से शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए 10 दिनों का समय यहाँ पे लिया था और लंबा ब्रेक भी लिया था।
दोस्तों अंतिम के शेड्यूल के लिए 10 दिनों का लंबा ब्रेक लिया था, जो 25 जुलाई को मुर्गा दास ने फिल्म के कुछ जो है चित्र साझा किए थे, जिसमें रजनीकांत के हाथ के तलवार वहां पे दिखलाए गए थे और पहली तस्वीर में एक पुलिसकर्मी की वर्दी में धूल के बदल से गुजरते हुए उनके साथ देखा गया था, जहाँ पे दूसरी छवि में वह हल्के नीले रंग के सूट में उससे जो है यानी कि अधिक खुश दिखते हैं। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जो है 19 अगस्त 2019 को किया गया था। जयपुर में मूवी की अंतिम शूटिंग जो है की गई थी। उसके बाद कुछ एक्शन दृश्यों की शूटिंग भी किया गया था, जो अक्टूबर 2019 को निर्माता ने घोषणा किया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, जो 7 नवंबर 2019 को रजनीकांत ने चेन्नई में फिल्म के लिए डबिंग शुरू की और 2 दिनों के भीतर ही पूरी कर ली थी। फिल्म के साउंड आर्ट और स्कोर जो है अनिरुद्ध रविचंद्रन द्वारा रचित किया गया था, जो पेटा 2019 के बाद रजनीकांत के साथ जो उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित करता है और फिल्म के निर्देशक AR मुर्गादास के साथ कथिक के साथ 2014 के बाद भी यानी कि थलाईवर मूवी थीम नामक की फिल्म के लिए एक जो है वाद थीम गीत तैयार किया गया था, जो आपको बता दें मोशन पोस्टर के साथ 7 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। फिल्म का पहला एकल चुम्मा किसी के साथ यानी कि विवेक के बोल और SP जो है बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था, जो 27 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। फिल्म का एल्बम 7 दिसंबर 2019 को जवाहरलाल नेहरू इंदौर के सांझवे स्टेडियम चेन्नई में लॉन्च किया गया था। फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में और एक साथ जो है कि ऑनलाइन संगीत स्ट्रीमिंग के साथ जो है माध्यम से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया गया था, जहाँ पे मंच गाना उसी दिन रिलीज हुई थी। एल्बम के रिलीज होने के बाद फिल्म के साउंड आर्ट में जो है कर्नूला और शादी थिमिरू शीर्षक से एक जो है यानी कि अप्रकाशित छिपा हुआ गीत है। इसे 3 जो है कि ट्रांस वोमेन के साथ गायकों एन चंद्रमुखी, रचना और प्रिया मूर्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। और आपको बता दें फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर लाइव प्रदर्शन किया गया था, जहां पे गीत को एल्बम में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अनिरुद्ध को और शादी अन्ना मलई 1992 की थीम गीत के धुन के साथ जो है कि वाक्यांश के साथ गीत को रिलीज करना था, जो फिल्म के गाने के लिए अनिरुद्ध ने अनुभवी संगीतकार देवा को धुन के ब्रॉस के साथ जो है यानी कि सेक्शन का संचालन करने के लिए चुना था, जहां पे जनवरी 2020 के मध्य में गाने का एक जो है यानी कि मेकिंग वीडियो जारी किया गया था, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। फिल्म के साउंड आर्ट एल्बम की समीक्षा करते हुए बिहाइंड बोर्ड ने फिल्म को 5/3 का स्टार रेटिंग दिए, जहाँ पे अनिरुद्ध हर जो है रजनी मोड के लिए दिलचस्प धुनों को पैक करना चाहते थे। आपको बता दें उम्मीद करते हैं कि दृश्य अनिंग के साथ जो है कि पंच के साथ उम्मीद करते हैं कि दृश्य पंच होंगे, जहाँ पे इंडिया गिलीज ने सामान के साथ जो है रेटिंग दी इस फिल्म के गाने को और कहा कि एल्बम जो आपको अंतिम के साथ जो है रूप से अपने पैर पर यानी कि थपथपाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको बता दें सिफी ने कहा साउंड एल्बम जो है रजनीकांत की पिछली फिल्म पेटा की तुलना में काफ़ी जो है कि निराशाजनक फिल्म है, जहाँ पे क्योंकि यह जो प्रभावशाली गीतों के कारण है, लेकिन यह यानी कि श्रोता की आत्मा को छूता है और उन्हें एक साथ गाने में सक्षम करता है, जो मूवी क्रो ने इस फिल्म को 5/2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा अनिरुद्ध की धुनें जो है शायद यानी कि यादगार हो सकती है। यहाँ पे फिल्म के गाने को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, अब रिलीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मूवी के रिलीज करने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स मिले हैं, कौन से जगह से फिल्म ने कितनी बॉक्स ऑफिस पर कमाई किया है, ये जानना खास है फिल्म के लिए, क्योंकि दोस्तों रिव्यू में ये सारी बातें जो है ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे किसी मूवी को अपलोड क्यों नहीं करता हूँ, तो मैं बता दूँ आप लोग को यहाँ पे मैं किसी भी मूवी को अपलोड करके नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बता सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के लिए फर्स्ट लुक रिलीज को घोषणा पर जो है फिल्म के निर्माताओं ने पोंगल एंड उत्सव के साथ जो है रिलीज को शेड्यूल करने की भी योजना दी थी, जहाँ पे फिल्म 11 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उनके साथ नवंबर 2019 में निर्माता ने 20 तारीख जो है इनकी अवसर के साथ जो है समाप्त का लाभ पाने के लिए 9 जनवरी 2020 की नई रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी थी, क्योंकि दोस्तों उसी के साथ जो है पोंगल मूवी 15 जनवरी 2020 को पड़ता है और उसके बाद जो फिल्म ने दुनिया भर में 7000 स्क्रीन में शुरुआत की थी, जो पूरे भारत में 4000 स्क्रीन इस फिल्म को मिला था। 7 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय ने मलेशिया में फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके निर्माता अपने जो है वितरकों को 23 करोड़ के घाटे का भुगतान करने में विफल रहे थे। हालांकि बाद में लाइका प्रोडक्शन द्वारा 4.9 करोड़ की बैंक जो है इनकी गारंटी दिखाने के बाद दावों को रद्द कर दिया
दिया गया, जहां पे उनके साथ जो धीरज और साथी एंटरप्राइजेज ने कर्नाटक में फिल्म के वितरण जो अधिकार खरीदे थे, जो फिल्म के उत्तर भारतीय नाट्य अधिकार जो है रिलायंस के साथ जो है इनकी रिलायंस एंटरटेनमेंट को बेचे गए थे और फिल्म को उत्तर भारतीय सर्किट में रिलीज किया गया था, जहाँ पे प्राइम वीडियो ने अमेरिकी अधिकार हासिल कर लिए और भारतीय रिलीज से एक दिन पहले 8 जनवरी को फिल्म को रिलीज किया। फिल्म का मोशन पोस्टर जो है 7 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। कमल हसन एंड सलमान खान के साथ जो है मोहनलाल और महेश बाबू ने फिल्म के पोस्टर यानी कि जारी किए थे और फिल्म का ट्रेलर जो है 16 दिसंबर को मुंबई में आयोजित एक जो है लॉन्च इवेंट में जारी किया गया था, जो जिसमें रजनीकांत एंड सुनील शेट्टी और मुर्गा दास जो है मौजूद थे। फिल्म के प्रचार को और अधिक जो है विशिष्ट बनाने के लिए निर्माताओं ने और स्पाइस लाइन के साथ जो है एयरलाइन को अपनी जो है इनकी उड़ानों में दरबार मूवी के साथ जो है रजनी एंड साथी पोशाक के साथ जो है लपेटा था, जहाँ पे फिल्म जो है दरबार से पुलिस की वर्दी में रजनीकांत की छवि वाले जो है विमान पर पहली बार जो है बाहरी ब्रांडिंग के साथ प्रदर्शित की गई थी, जो एयर एशिया इंडियन के साथ जो है फोर कवाली के साथ 2016 के बाद ये दूसरी बार है जब किसी यात्री जेट को किसी भारतीय फिल्म के विज्ञापन के लिए लपेटा गया था। बताया दोस्तों, द हिंदू से बात करते हुए लाइका प्रोडक्शन के सीईओ के साथ जो है एक जो है कॉन्डोन के बात हुआ था, जहां पे फिल्म दुनिया भर में 7000 स्क्रीन पर रिलीज होगी और हम इसे कुछ जो है इनकी द्वीपों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँच सके। और कॉन्डोन ने कहा था कि स्पाइस जेट के साथ जो है इनकी कैडबरी एन साथ ही मोका एन मुक मैशो के साथ जो है एयरटेल जैसे जो है लगभग 15 ब्रांडों ने फिल्म के साथ जो है करार दिया था और हम फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 7 से लेकर 80 मिलियन खर्च कर रहे हैं। इसी फिल्म के लिए बीपनम के साथ जो यानी कि निवेशा तमिल सिनेमा में सबसे ज़्यादा यानी कि पसंद किया जाना फिल्म बन गया था। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप लोग दरबार फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम दरबार मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों दरबार फिल्म कौन सी है और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों दरबार फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था, इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म को 24 फरवरी 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पर Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे, जहाँ पे और अधिक जानने के लिए इसे लेख में एक जो है यानी कि विश्वकोश एंड प्रविष्टि के लिए बहुत अधिक या बहुत लंबे उद्धरण किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा तो मिली, लेकिन समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर रोटन टमाटोज पर एक जो है 7 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 10 मीटर 6.4 की रेटिंग दिए गए थे और उन्होंने कहा है कि 57 की स्वीकृति रेटिंग की सूचना दी गई थी। वेबसाइट की आलोचनात्मक एन साथी सहमति में लिखा है कि दरबार एन सुपरस्टार रजनीकांत की हिट जो है निर्देशक AR मुर्गा दास के साथ पहली फिल्म हो सकती है, जो लेकिन ये एक जो है रजनी फिल्म बनी हुई है जो हर कदम पर एक और जो है केवल यानी कि थलाइवर के और साथ निरंतरण के साथ जो है मिथक के आगे झुक सकता है। बताया दोस्तों बिहाइंड बूज ने लिखा है, रजनीकांत के दरबार फिल्म में सुपरस्टार की शैली और साथी द्रव्यम के साथ जो है पूरी तरह से पदार्थ फिल्म है, जो 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दिए हैं। फिल्म समीक्षक जो है श्रीधर एन पिल्लई ने फर्स्ट पोस्ट के लिए एक लेख में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है कि दरबार का पहला भाग जो मुख्य रूप से रजनीकांत की शैली और साथी इस विगर के कारण जो है खुद को काफ़ी ज़्यादा सुखद करते हैं। NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा है, दरबार को रजनीकांत के साथी यानी कि प्रशंसकों के लिए निष्पक्ष ये है कि इस फिल्म के बारे में चौकोर के साथ निशाना बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें ये जो है यानी कि मसाला सिनेमा को ऊर्जा का एक नया जो है शॉट देने के लिए कुछ नहीं करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन MK साजवे सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा है, दरबार मूवी एक्शन और ड्रामा मूवी का एक आकर्षक और व्यावसायिक जो है यानी कि कॉकटेल वाले फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस की प्रधान संपादक जो शुभ्र गुप्ता ने मूवी को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है कि दरबार एक रजनीकांत की फिल्म बनी हुई है
जो हर कदम पर एक और केवल जो है कि थलाइवर के मिथन के आगे जो है झुकती है। जो हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि सुपरस्टार बस इसी फिल्म को अपने जो है बूढ़े कंधों पर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। सिफी ने फिल्म के बारे में 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है मूवी के बारे में, दरबार एक औसत जो है पुलिस एक्शन वाला एंटरटेनर फिल्म है जो थलाइवर मूवी के कट्टर एंड प्रशंसकों की भूख को संतुष्ट करने के लिए पैक किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्तिक कुमार ने लिखा है, एआर मुर्गादास रजनीकांत की ताकत पर जो है खेलते हैं और आपको बता दें स्वयं के साथ जो है, लेकिन इस फिल्म में बाकी सब कुछ एआर के साथ जो है एक यानी कि अभावग्रस्त उपचार मिल जाती है। फिल्म कंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने कहा, फिल्म एक यानी कि नौ और साथी मेंस लैंड वाली मूवी है। यहाँ पे नाटक और साथी एक्शन न तो शक्तिशाली है और नहीं पर्याप्त करने वाला फिल्म है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और जिसमें कहा गया है कि एक यानी कि क्लिच के साथ और साथी यानी कि प्रेडिक्टेबल और साथी स्टोरी रिलीज के साथ जो है छोड़कर दरबार मूवी थलाइवर के प्रशंसकों के एक जो है कि रजनीकांत के एक प्रशंसक की फिल्म है। जहाँ पे द न्यूज मिंट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि एक बासी हुई इंसाती पूर्वानुयम के साथ पुलिस फिल्म होने के बावजूद ये यानी कि रजनीकांत का ट्रेडमार्क वाली स्वैग फिल्म है जो दृश्यों को जीवंत रखता है। जहां पे न्यूज 18 ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। इसमें कहा गया था कि मूवी दरबार एक शानदार फिल्म है। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम दरबार मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, दरबार मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आप अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दरबार मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई किया है। दोस्तों, मूवी की बॉक्स ऑफिस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म के लिए। फिल्म के रिलीज पूर्व अधिकार 220 करोड़ में था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 28 मिलियन में बेचे गए थे। जो फिल्म के तमिलनाडु नाट्य अधिकार 60 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 7.5 मिलियन में बेचे गए थे। कर्नाटक नाट्य अधिकार जो है 9 करोड़ में बेचे गए थे, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.1 मिलियन में बेचे गए थे। केरल में इस फिल्म के अधिकार को 6 करोड़ में बेचे गए थे, जो यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर ले तो 7,50,000 में बेचा गया था। और आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात कर ले तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाते अधिकार जो 15 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.9 मिलियन से अधिक में बेचे गए थे। और फिल्म के उत्तर भारत के अधिकार जिसमें जो है हिंदी डबिंग के साथ उपग्रह डिजिटल और साथ ही नाटकीय अधिकार जो है शामिल किए गए थे, जहां पे 40 करोड़ से अधिक में बेचा गया था। यहां पे यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 5.0 मिलियन तक बेचा गया था। फिल्म ने विदेशी अधिकारों पर 37 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.6 मिलियन के अधिकार में बेचे गए थे। फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार जो है 50 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 6.3 मिलियन में बेचे गए थे। जबकि फिल्म के अन्य अधिकार 3 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर 3,80,000 में बेचे गए थे। फिल्म ने कथित तौर पर अपने पहले दिन अकेले तमिलनाडु में 180 मिलियन के साथ जो है रुपए की कमाई की और इसने तमिलनाडु में लगभग जो है 110 करोड़ रुपए से आधे की कमाई की है। चेन्नई शहर के बारे में हम बात कर ले तो दरबार के लिए विशेष रूप से अच्छा था, जहाँ पे इसने 14.67 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि जो है केरल और कर्नाटक में इसने क्रमश 8 करोड़ रुपए की कमाई की है। 24 करोड़ रुपए से एक तरह किए जाने के बाद इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से लगभग जो है 23 करोड़ रुपए और हिंदी संस्करण से लगभग जो है 15 करोड़ रुपए एक तरह किए। जो फिल्म ने पहले 11 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 1.35 बिलियन की कमाई की है। दरबार ने रिलीज होने के बाद 11 दिनों में दुनिया भर में 2 बिलियन से अधिक की कमाई की थी और फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने शुरुआती दिन में 4 लाख यूएस डॉलर की कमाई की। जो शुरुआती हफ्ता में दरबार ने यूएसए में 1 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो 7.9 करोड़ की कमाई की थी। जहां पे 19 जनवरी 2020 तक फिल्म ने यूएसए में 1.6 मिलियन में बेचा गया था, जहां पे 11.36 मिलियन करोड़ हो जाता है इंडियन रुपीज में। जो उद्धान वांछित के बारे में हम बात कर ले तो 11 दिनों में विदेशी बाजार में लगभग जो है 70 करोड़ से अधिक की संग्रह दरबार फिल्म ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो इसी तरह दरबार फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि दरबार फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे और विदेशी बाजारों में भी अच्छी कमाई की है। क्योंकि फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिलते हैं तो फिल्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिव्यू रेटिंग भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप दरबार फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेनिंग जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको
आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि YouTube पर इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। दोस्तों चलिए अब दरबार फिल्म के बारे में कुछ अननोन बातों को हम जानते हैं, अननोन बातों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरबार फिल्म में दो दृश्य जो है शामिल किए गए थे, जिसमें पात्र जेल के कैदियों को बाहर जाने और खरीदार के साथ जो है करने की अनुमति देती है। किसी भी दृश्य में रजनीकांत धारा संवाद नहीं दिए गए हैं। हालांकि अभिनेता फिल्म में शॉर्ट में मौजूद है, जहां पे लाइका प्रोडक्शन ने घोषणा किया था कि फिल्म में विवादास्पद यानी कि संवादों को हटा दिया जाएगा। इसे जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो इस फिल्म में उनके साथ जो है जयललिता के जेल में बंद सहयोगी बी के साथ यानी कि सुशील काक के साथ संदर्भ माना जाता है। लाइका प्रोडक्शन ने ट्विटर पर एक जो है बयान जारी किया, जिसमें जो है लिखा गया था दरबार फिल्म में विशेष यानी कि शब्दों इन संवादों में कैदियों के साथ जो है कि कैदियों के बारे में दौरान जो है जेल या फिर जेल से जो है बाहर जाने के संदर्भ में केवल जो है दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने के इरादे से शामिल किया गया था। जहां पे संदर्भित जो है करता है कि इरादा किसी भी यानी कि विशिष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं थी और किसी को यानी कि ठेस पहुंचाने के बारे में भी नहीं था। हालांकि क्योंकि उनमें से कुछ जो है शब्दों से कुछ जो है लोगों को ठेस पहुंची थी और इसीलिए हमने जो है इसे फिल्म से हटाने का फैसला किया था। यहां पे उसी के बारे में बात करते हुए एनडीटीवी के सैम यानी कि डिनियल ने लिखा है कि सुपरस्टार रजनीकांत के दरबार मूवी को देखने वाले प्रशंसक जो है जेलों के अंदर जो है अनियमितताओं पर उनके जो है संवादों को याद करेंगे, जो कई जो है लोगों ने महसूस किया था कि यानी कि उनके साथ जो है शशिकला इन साथ ही उनके साथ जो है नटराजन दिवंगत के साथ जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इनकी जयललिता की करीबी दोस्त थे। आपको बता दें हालांकि दरबार फिल्म 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई, जिसने 2.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है इंडियन रुपीज में, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 31 मिलियन से आधे की कमाई की। अधिक जो है उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की लागत और रिलीज से पहले के अधिकारों के कारण जो है वितरकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि व्यापार इन साथी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि फिल्म को वितरकों के लिए 700 मिलियन में और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 8.8 मिलियन का नुकसान हुआ था। जहाँ पे अल्लाह भाई कुंडा परमल्लू मूवी श्रील के साथ जो है इनकी निके वरु के साथ अपने जो है प्रतिस्पर्धा के कारण जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में इसने जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जबकि जो है प्रचार की कमी के कारण हिंदी संस्करण का बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक था। जहां पे प्रदर्शन थी लाइका प्रोडक्शन को पूरा करने में फिल्म रहने के बाद जो फिल्म के नुकसान के बारे में कई जो है वितरकों ने और इस फिल्म के मुआवजे की मांग के लिए रजनीकांत से संपर्क करने की कोशिश की थी, जहां पे नुकसान की भरपाई नहीं होने पर उन्होंने इस फिल्म के लिए भूख हड़ताल करने की धमकी दी थी और कई उद्योग के साथ जो सूत्रों के अनुसार यह बाबा फिल्म 2002 के साथ यानी कि कुशेलन के साथ 2008 और लिंगम मूवी 2014 के बाद जो है वितरकों के लिए भारी नुकसान उठाने वाली चौथी जो रजनीकांत की फिल्म बन गई। दोस्तों फिल्म अच्छी कमाई करने के बाद भी मूवी क्यों इस तरह का, इस फिल्म के बारे में रिपोर्टर्स ने लिखा है कि फिल्म जो है बहुत ही बड़ी यानी कि नुकसान उठाने वाला फिल्म बन गया। दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो में हम फिल्म की कहानी को एनालिसिस करेंगे, मूवी की कहानी कैसे लिखी गई थी और फिल्म में आपको कितने पैसे जो है यानी कि इस मूवी ने दुनिया भर में कितने पैसे कमाए थे और फिल्म की कहानी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम बतलाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों फिल्म को देखते हुए विश्लेषकों ने खुलासा किया कि फिल्म के नुकसान अभिनेता और निर्देशक के लिए भारी जो है वेतन के कारण हुआ था। इससे जो है फिल्म की उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उसके बाद जो है डीटी नेक्स्ट ने अनुसार जो है अभिनेता रजनीकांत ने GST को शामिल करने के साथ जो है 108 करोड़ में और यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन का वेतन दिया था और लगभग जो है 100 करोड़ के वेतन पाने वाले पहले तमिल अभिनेता बन गए थे। AR मुर्गा दास को 40 करोड़ दिया गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 5.6 मिलियन का वेतन मिला था, जबकि नयन तारा को लगभग जो है 6 करोड़ दिए गए थे जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 7,50,000 का वेतन मिला था। फिल्म का अंतिम बजट जो है 240 करोड़ था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 30 मिलियन थी और लाइका प्रोडक्शन ने लाभ हासिल करने के लिए वेतन जो है अधिकारों को 320 करोड़ में जो है दिए थे जो यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 40 मिलियन में बेच दिया था और ये अंततः आलोचना किया गया था कि विषय रहा था क्योंकि तमिल सिनेमा में और फिल्म के निर्देशकों और साथ ही अभिनेताओं को भारी वेतन देने के लिए पर्याप्त जो है मजबूत नहीं थी और कुछ ने रजनीकांत की लगभग जो है
100 करोड़ में यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन के वेतन पाने की निंदा की, क्योंकि जो है उनके पास एक नहीं था जहां पे विजय और अजीत कुमार की तुलना में काफ़ी जो है कि बाजार मूल्य दिए गए थे। दरबार के नुकसान के प्रभाव ने रजनीकांत की और साथ ही अनाटा के लिए उनके वेतन को काफ़ी यानी कि प्रभावित किया गया था, क्योंकि इसके निर्माता सोन पिक्चर ने उनके वेतन का 50% जो है कम करने का फैसला किया था। निर्देशक के रूप में मुर्गा दास के साथ जो है विजय की एन साथी थलापति 65 का जो है निर्माण करने वाले सोन पिक्चर ने मुर्गा दास को कोविड-19 महामारी के कारण दरबार के खराब प्रदर्शन और वित्तीय जो है बधाव का हवाला देते हुए वेतन में कटौती करने का आग्रह किया था, जहाँ पर मुर्गा दास ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप जो है प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें जो है यानी कि परियोजना से बाहर कर दिया और नेल्सन को निर्देशन के रूप में लाया था, जिसकी फिल्म जो है अंततः बिस्ट यानी कि 2022 में रिलीज हुई थी, जो बिस्ट फिल्म को भी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, अब दरबार फिल्म की कहानी के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, दरबार फिल्म की कहानी मुंबई के पुलिस आयुक्त जो है आदित्य एन साथी अरुणा चिलम को पुलिस जो है मुठभेड़ों में पूरे मुंबई में कई जो है गैंगस्टरों को मारते हुए दिखाया गया है। उनका लापरवाह व्यवहार जो है व्यापक के साथ निंदा का विषय बन गया है, जो भारत के राष्ट्रीय एन साथी मानव अधिकारी के साथ आयोग को उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आयोग के इन साथी पैनलिस्टों में से एक और साथी आदित्य के एक पूर्व मित्र को पता चलता है कि उसके निर्माता उसकी बेटी जो है यानी कि वली कानू उर्फ यानी कि वली की हत्या के कारण बनी है। एक साल पहले आदित्य को शहर में लगातार बड़े पैमाने पर जो है नशीली दवाओं की तस्करी और साथ ही वेश्याकृति पर अंकुश यानी कि लगाने के बाद उनके लगाने के लिए एक जो है आयुक्त ने रूप में मुंबई को सौंप दिया गया था कि मुंबई पहुँचने पर उन्होंने 3 जो है यानी कि अपहर्ता शामिलों को किया गया था। अब वहां से मुंबई पहुंचने पर उन्होंने 3 जो है यानी कि अपहृत और महिलाओं को बचाया, जिनमें से एक जो है महाराष्ट्र की दीप्ति और साथ ही सीएम की बेटी है। एक अवसर को भांपते हुए आदित्य जो है यानी कि अपहृत महिलाओं को शहर के ड्रग तस्करी और आपको बता दें वेश्याकृति के साजुए छले के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने के बहाने के रूप में उपयोग करता है। कई ड्रग डीलरों और साथ ही बाल तस्करों को गिरफ्तार किए जाने के साथ उनके प्रयास के साजुए बेहद सफलता वाली फिल्म है। गिरफ्तार लोगों में एक जो है प्रभावशाली उद्योगपति विनोद के साथ जो है मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा भी शामिल है, जहाँ पे विनोद शुरू में अजय को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन आदित्य द्वारा उसे जो है विफल कर दिया जाता है। ड्रग तस्करी में शामिल होने पर अजय की गवाही की मांग करते हुए आदित्य जेल में उसे मिलने जाते हैं, जहाँ पे केवल जो है उसकी जगह पर एक जो है कि प्रकाशी खोजने के लिए वह राज्य और केंद्र दोनों सरकार से जाँच करने का अनुरोध करता है। केवल यह पता लगाने के लिए कि अजय के मामले को सौंपे गए अधिकारी जो है विनोद के पेरोल के साथ जो है तहत काम कर रहे हैं या फिर नहीं। गुप्त जांच के माध्यम से आदित्य को पता चल जाता है कि अजय बैंकॉक में छिपा हुआ है और साथ ही रॉयल थाई पुलिस ने उसे जो है कि पासपोर्ट एंड साथ ही धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विनोद के पुरोल के तहत जो भ्रष्ट यानी कि राजनीतिक के साथ जो है झूठा घोषणा करता है, जहाँ पे अजय भी उनके साथ जो है भारत में कैद है, जिससे जो है उसकी थाई जो यानी कि हिरासत में रिहाई हो जाती है। जहाँ पे ऑडिक के साथ जो आदित्य भारत लौट आते हैं, जहाँ पे आदित्य उनके साथ जो है यानी कि आत्मरक्षा के आर में उनके साथ जो है प्रकाशी को मार देते हैं, जहाँ पे साथ ही साथ जो यह घोषणा किया जाता है कि अजय की लाश जो है जबकि मीडिया को प्रदर्शित किए जाएंगे, जहाँ पे कोनों में और साथ ही कोई भी अन्य यानी कि विकल्प न होने पर विनोद के साथ उसके खिलाफ हो जाते हैं, जहाँ पे खुद को बचाने के लिए उन्होंने अजय को चुपके से भारत वापस ला दिया है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो दोस्तों, दरबार फिल्म को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दरबार फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस मूवी को किसी भी कंपनी ने यूट्यूब पर अपलोड अभी नहीं किया है। तो दोस्तों, इसी तरह हालाँकि अजय के जगाने पर यह पता चलता है कि अजय वास्तव में विनोद का बेटा नहीं है, बल्कि हरिहरन चोपड़ा का है, जो दुनिया के सबसे खूंखार माफिया बॉस में से एक है, जो मुंबई में 57 यानी कि पुलिस कर्मियों के क्रूर यानी कि
नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। साथ ही आपको बदला दे, हरी को लंदन में अजय की हत्या के बारे में पता चल जाता है। साथ ही बदला लेने की मोड में वो आ जाते हैं जहां पे वो चुपके से भारत और बांग्लादेश की सीमा के रास्ते में भारत में प्रवेश करते हैं। अपनी जान के डर से विनोद जो है आदित्य की बेटी वल्ली से संपर्क करता है, जो उसे चेतावनी देती है कि आदित्य खतरे में है। और बाद में हरी ने अजय की रक्षा करने में असमर्थ के रूप में लिया था, जहाँ पर विनोद को चाकू मार दिया गया है, पे आदित्य और वली को भी निशाना बनाया गया है और एक जो है कि भीषम कार दुर्घटना की योजना बनाकर उन पर जो है हमला करती है। हालांकि आदित्य हमले से बच जाता है और वली को टर्मिनल के साथ अंतर्राष्ट्रीय इंसानी रक्त सवार का पता चलता है, जहां पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास जीने के लिए केवल 2 घंटे हैं, जिसके बाद वह मर जाएगी। और साथ ही क्रेस्ट फॉलन के साथ वह आदित्य के लिए एक सेल्फ यानी कि रिकॉर्डिंग बनाती है और मर जाती है। वल्ली की मौत के बारे में सुनकर उसका दिल टूट गया। आदित्य हिंसक को उनके साथ जो है गया और जहां पे विनोद को जिम्मेदार मानते हुए आदित्य उसके हत्या के बारे में जानने के लिए उसके घर में घुस जाता है, जहां पे क्रोधित होकर और साथ ही भ्रमित आदित्य वल्ली की मौत के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए निकल पड़ता है। और इसी प्रक्रिया में कई जो है गैंगस्टरों को मार डाला जाता है, जो फिल्म को वर्तमान में वापस लाते हैं। वर्तमान में आदित्य और उसके जो है उसके जो है कि अधीन स्थानों पर हरी के गुंडों द्वारा जो है कि घात लगाकर वहां पे हमला किया जाता है। हालांकि वह हमले से बच जाते हैं और आदित्य को उसके जो है कि उतावले और व्यवहार के लिए जो है निलंबित कर दिया जाता है। लगभग हार मानने के कगार पर उसे वली के वीडियो के बारे में पता चलता है, जो कि विनोद की पूर्व चेतावनी के बारे में बताते हैं कि वल्ली भी आदित्य को दृढ़ रहने और जांच जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहाँ पे नए और साथ ही आत्मविश्वास के साथ जो आदित्य अपनी शारीरिक और साथ ही मानसिक और स्थिरता को साजो साबित करके पुलिस बल में जो है यानी कि बहाल होने का प्रबंध करता है। वह बाद में अजय की वास्तविक जो है जैविक के साथ उत्पादन को हरी में उनके साथ खोज लेता है, जहाँ पे आदित्य से बचाने का प्रयास किया जाता है। और हरी कई पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है कि नुश्चन हत्याओं का आयोजन करता है और अधिक आदित्य हरी के स्थान का पता लगाने का प्रबंध करार करते हैं, जहां पे वापस मुंबई मीडिया के पुराने कार्यालय में भवन में मीडिया समूहों के साथ जो है प्रमोद जो है गुप्ता के और साथ ही स्वामित्व में है, जहाँ पे जो हरी की हत्याओं में से एक के होने का पता चला है। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस बल की मदद से आदित्य ने परिसर पर जो है छापा मारा। वह हरी के गुंडों को मारने का प्रबंध करता है और गुप्ता को पकड़ लेता है। वह स्वयं हरी को पकड़ने में विफल रहता है। हरी अपने जो है यानी कि कुख्याता और साथ ही हत्याकांड की साइट पर जो है यानी कि पीछे हट जाने पर और आदित्य को उसके पास ले जाते हैं, जहाँ पे मंत्री के साथ जो है पुलिस अधिकारियों को परिवारों को बंदूक की नोक पर जो है यानी कि बंधक बनाकर रखते हैं। और आदित्य हरी के साथ इसका जो है मुकाबला करता है और विजयी होता है, जहाँ पे हरी आदित्य को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसने हरी के साथ जो है अंत तक के साथ शासन को समाप्त करने वाली उनके साथ शासन को समाप्त करने वाली मौत का बदला लेने और मुंबई में शांति जो है इनकी सुनिश्चित करने के लिए हरी को चाकू मार दिया। और यहीं पे इसी के साथ फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप लोग दरबार फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बता दें, हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जो कि अनुज साल का रजनीकांत का अनुसरण करते हैं, जो शहर में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी करते हैं और साथ ही वेश्या पर जो है अंकुल का लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। बता दें दोस्तों, हालांकि जब वह एक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग यानी कि लॉर्ड से जुड़े हुए थे और एक गहरे विवाद को यानी कि उजागर करते हैं फिल्म के अंदर, तो वह अपने यानी कि गुप्त एजेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और पहले उनके साथ कामकाजी शीर्षक जो है कि थला वायर और 167 के तहत जो है जाना जाता था फिल्म को, लेकिन इस फिल्म का शीर्षक चेंज करके इस मूवीज का नाम दरबार रख दिया गया।
तो दोस्तों आखिरकार इस फिल्म को दरबार नाम से 9 अप्रैल 2019 को घोषित किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और फिल्म की शूटिंग जो है मुख्य रूप से मुंबई में की गई थी और अक्टूबर 2019 में पूरी भी कर ली गई थी। लेकिन फिल्म को थाई यानी कि इस फिल्म को थाई पोंगल के साथ 9 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। हालांकि रिलीज पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से अधिक की कमाई किया, यानी कि इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट कर दें तो 33 मिलियन करोड़ की कमाई की और यह मूवी रजनीकांत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तो दोस्तों 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक है। हालांकि ये मूवी एक यानी कि खराब प्रदर्शन माना जाता था, जिसके कारण जो है यानी कि वितरकों ने भूख हड़ताल की थी और धमकी दी थी और मांग की थी और रजनीकांत अपनी यानी कि नुकसान की भरपाई भी करेंगे। तो दोस्तों इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था दरबार नाम से। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम दरबार मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो दरबार मूवीज की कहानी अच्छी होने के बावजूद भी इस फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं किया, इसके कई सारे रीजन है जो कि इस वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म के अंदर मुंबई पुलिस के कमिश्नर आदित्य अरुणा चलम को पुलिस मुठभेड़ में पूरे मुंबई में कई गैंगस्टरों को मारते हुए दिखलाया गया है, जो कि उनका लापरवाह इंसाती व्यवहार जो है कि व्यापक निंदा का विषय बन गया है, जो भारत के राष्ट्रीय इंसाती मानवाधिकार के आयोग को उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है और आयोग के साथी पैन लिस्टों में से एक है। और आदित्य के एक पूर्व मित्र को पता चलता है कि उसके निर्माता एक साल पहले यानी कि उसकी बेटी एंसाती वली कानो उर्फ यानी कि वली की हत्या के कारण जेल में गया है, यानी कि सजा काट रहा है। और पहले एक यानी कि प्रेस्टीज के साथ जो अधिकारी आदित्य को मुंबई में नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और शहर में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी की जा रही थी। इन साथी वेश्या वृत्ति पर यानी कि अंकुश लगाने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक यानी कि प्रयास मुंबई एन पहुंचने पर वहीं तीन यानी कि उनके साथ जो अपहरण किया था, यानी कि अपहरण महिलाओं को बचाया जाता है जिनमें से एक यानी कि महाराष्ट्र के NO यानी कि उनके साथ जो है उप मुख्यमंत्री की बेटी है, एक यानी कि उनके साथ अवसर को भापते हुए आदित्य एन साथी अपहरण जो है महिलाओं को शहर के ड्रग जो है इनकी तस्करी और उनके साथ वैश्यकृत के छले के लिए खिलाफ एक बड़ा जो अभियान शुरू करने के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं। कई ड्रग डीलरों और साथी बाल तस्करों को गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ उनके प्रयास इन बेहद यानी कि सफल रहे हैं। इन गिरफ्तार लोगों में एक यानी कि प्रभावशाली उद्योगपति विनोद मल्होत्रा का पुत्र अजय मल्होत्रा भी शामिल है, जिसने जो है विनोद शुरू में अजय को जमानत देने की कोशिश करता है लेकिन आदित्य उसे नाकाम कर देते हैं। आदित्य एक यानी कि कैफे में एक महिला लिली से मिलते हैं और बाद में उससे प्यार करने लग जाते हैं। उसकी बेटी और दोस्त यानी कि कौशिक उसे जो है लिली से शादी करने के लिए मना लेती है, भले ही लिली आदित्य के अग्रिमों को अस्वीकार कर देती है और साथी आदित्य एंसाती प्रेम पूर्वक के साथ उसका पीछा भी करते हैं, जहाँ पे उनके साथ जो है संयोग से जब मिली थी और आदित्य के अग्रिमों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस यानी कि स्टेशन आते हैं, जहाँ पे लिली चौंक जाती है उन्हें देखकर जब उसे पता चलता है कि आदित्य वास्तव में मुंबई पुलिस का आयुक्त है और लिली आदित्य को यानी कि स्वीकार करती है और दोनों को एक दूसरे को यानी कि जानने लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की साउथ की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है दरबार। तो दोस्तों अगर आप भी रजनीकांत के फैन हो और रजनीकांत की फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, मैंने आपको कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों दरबार मूवीज की कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब जो है ड्रग तस्करी में शामिल होने पर अजय की गवाही की मांग करते हुए आदित्य जेल में उससे मिलने जाते हैं, क्योंकि जेल में मिलने के बाद केवल उसकी जगह एक यानी कि प्रकाश ही खोजने के लिए वह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से जांच करने का अनुरोध करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि अजय के मामले को सौंपे गए अधिकारी विनोद के यानी कि पेरोल के तहत जो है काम कर रहे लोगों के साथ
एक गुप्त जांच के माध्यम से आदित्य को पता चलता है कि अजय बैंकॉक में छिपा हुआ बैठा है एंड रॉयल थाई पुलिस ने उसे जो है कि पासपोर्ट के साथ जो है धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विनोद के साथी पेरोल के तहत जो है भ्रष्ट यानी कि राजनीति के साथ जो है झूठा यानी कि घोषणा करते हुए अजय अभी भी भारत में कैद है, इससे उसकी थाई इंसाती हिरासत में रिहाई हो जाती है और अडिक के साथ जो आदित्य भारत लौट आते हैं और आत्मरक्षा की आर में उनके साथ जो प्रकोशी को मार देते हैं और साथ ही साथ जो यह घोषणा करते हैं कि अजय की लाश जबकि जो है मीडिया को प्रदर्शित की जाएगी एक कोने में और कई अन्य जो है विकल्प न होने पर विनोद के साथ जो उसके खिलाफ हो जाते हैं। खुद को बचाने के लिए उन्होंने अजय को चुपके से भारत वापस भेज दिया और मार डाले हैं, जहां पे हालांकि अजय के जागने पर यह पता चलता है कि अजय वास्तव में विनोद का बेटा नहीं है बल्कि हरिहरन चोपड़ा का है, जो कि दुनिया के सबसे खूंखार माफिया बॉस में से एक है, जो मुंबई में 57 इंसाती पुलिस कर्मियों के क्रूर जो है कि उनके साथ जो नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। साथ ही हरि को लंदन में अजय की हत्या के बारे में पता चल जाता है और वो भी बदला लेने के लिए होड में वहां पे पहुंच जाता है। इसी के साथ भारत जो है बांग्लादेश सीमा के रास्ते में भारत में प्रवेश करते लोगों को अपनी जान के डर से विनोद जो है आदित्य की बेटी वल्ली से संपर्क कर लेता है, उसे चेतावनी देता है कि आदित्य खतरे में है और बाद में हरि ने अजय की रक्षा करने में असमर्थता के कारण उनके साथ विनोद को चाकू मार दिया। वह आदित्य और वल्ली को भी निशाना बनाता है और एक भीषणकार दुर्घटना की योजना भी बनाकर उन पर जो है हमला करता है। हालांकि कि आदित्य हमले से बच जाते हैं, वल्ली को टर्मिनल एंड साथ ही आंतरिक के साथ रक्त शर्मा का पता लगता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उससे यानी कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ जो है यानी कि 2 घंटे बचे हुए हैं, जिसके बाद वह मर जाएगी। उसके बाद जो है इनकी क्रेस्ट फोलन के साथ वह आदित्य को देखने के लिए एक सेल फोन और साथ ही रिकॉर्डिंग जो है बनाती है। आदित्य और वली जो है बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वह जानने के बाद उनके साथ लिली तुरंत जो है अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद लिली को पता चलता है कि वली के शव को अस्पताल में साथ ही जो है इनकी मुर्गा उनके साथ जो है मुर्दा घर में देखने के बाद जो है वली की मृत्यु हो गई और लगभग जो है इनकी वली का दिल टूट जाता है। दोस्तों बतला दें, वीडियो में हम दरबार मूवी की एक्सप्लेनिंग को लेके आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म के अंदर वली के मौत के बारे में सुनकर उसका दिल टूट गया। आदित्य उनके साथ जो इनके उन्मादी और बेहद जो हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि विनोद को जिम्मेदार मानते हुए आदित्य उसकी हत्या के बारे में जानने के लिए उसके घर में घुस जाता है। क्रोधित होकर भ्रमित होकर आदित्य वली के मौत के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है, समझने के लिए वहां से निकल पड़ता है। इसी प्रक्रिया में कई गैंगस्टरों को मार डाला जाता है जो फिल्म को वर्तमान में वापस लाते हैं। इन वर्तमान में आदित्य और उनके साथ जो है इनके अधीनस्थों पर हरि के गुंडे धारा जो है इनके घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि वह हमले से बच जाते हैं। आदित्य को उसके यानी कि उतालवे इन व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया जाता है। लगभग उनके साथ जो हार मानने के कगार पर उसे वल्ली के वीडियो का पता चलता है, जो कि विनोद की पूर्वा चेतावनी के बारे में बताया जाता है। वल्ली भी आदित्य को दृढ़ रहने और जांच जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। नए और साथ ही आत्मविश्वास के साथ आदित्य अपनी शारीरिक और साथ ही मानसिक स्थिरता को साबित करके पुलिस बल में यानी कि बहाल होने का प्रबंध करता है। वह बाद में अजय की वास्तविक यानी कि जैविक इंसाती उत्पत्ति को हरि में खोजता है। दोस्तों फिल्म के अंदर आदित्य से बचने का प्रयास करते हुए हरि कई जो है कि पुलिस कर्मियों की साथ ही निर्संस के साथ जो है हत्याओं का आयोजन करता है, जो कि आदिक और साथ ही आदिक यानी कि आदित्य हरि के स्थान का पता लगाने का प्रबंध करते हैं एंड वापस जो है मुंबई मीडिया के पुराने साथी कार्यालय एंड साथ ही भवन में मीडिया समूहों द्वारा प्रमोद गुप्त के साथ जो है इनके स्वामित्व में जाते हैं, जो हरि के इन साथी सहयोगियों में से एक होने का पता चलता है। इन पुलिस बल की मदद से आदित्य ने साथी परिसर पर छापा मारा। वह हरि के गुंडों को मारने का प्रबंध करता है और गुप्ता को पकड़ लेता है। वह यानी कि सवाई की हरि को पकड़ने में विफल रहता है। हरि अपनी यानी कि मुख्यता एन साथी हत्याकांड के स्थल पर छिपे यानी कि पीछे से हट जाता है और आदित्य को उसके पास ले जाता है, जो कि उनके साथ मृतक एन पुलिस अधिकारियों के परिवारों को बंदूक की नोक पर धमकी देता है एन बंधक बना लेता है।
उसके बाद आदित्य हरी के साथ जो है इनकी इसका मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। इन साथ ही विजयी होते हैं, उन सभी को मार डालते हैं। इन हरी आदित्य को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसने हरी के आतंक के शासन को समाप्त करने, वली की मौत का बदला लेने और मुंबई में यानी कि शांति इन साथ ही सुनिश्चित करने के लिए हरी को चाकू मार दिया और इसी के साथ फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये है दरबार फिल्म की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म में रजनीकांत, आदित्य आईपीएस के रूप में नज़र आए हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर के रूप में नज़र आए हैं। इन साथ ही नयनतारा इस फिल्म में लिली के रूप में नज़र आए हुए हैं। नवेता थॉमस इस फिल्म में वल्ली कन्नू के रूप में नज़र आए हुए। सुनील शेट्टी इस फिल्म में हरिहरन के रूप में नज़र आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साउथ की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है दरबार। तो दोस्तों अगर आप दरबार फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी ड्रॉप में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप दरबार फिल्म को हिंदी ड्रॉप में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको बतलाने वाला हूं ये फिल्म आपको कहां पे देखना है। और आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर मुझसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहां मुझे फॉलो भी आप कर सकते हैं। वहां पे मैं आप लोगों को कई सारे फिल्म के बारे में नॉलेज दे सकता हूं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां से आपको मिल सकता है, तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मार्च 2015 में रजनीकांत सर को AR मुर्गादास के साथ अपनी जो है अगली फिल्म साइन करने की सूचना मिली थी और उनके साथ आजकल फिल्म के साथ जो है वेनू एन रवि चंद्रधारा समर्थित की गई उनकी फिल्म लिंगा 2014 के वित्तीय नुकसान को लेकर जो है इनकी वितरकों के साथ जो है उनके मुद्दे को सुलझाने तक जो है परियोजना को रोक दिया गया था। हालांकि परियोजना रवि चंद्रन के उनके साथ जो है दियाल यानी कि उनके साथ जो है इनकी दिवा लियो पेन का हवाला देते हुए अमल में लाने में विफल रही थी, क्योंकि 25 सितम्बर 2018 को रिपोर्टर्स ने बताया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक जो है सामने आई कि रजनीकांत अपनी जो है इनकी अगली परियोजना के लिए मुर्गादास के साथ सहयोग करेंगे और उनके साथ सन पिक्चर धारा साथ ही बैंक लोड के साथ जो है किया जाएगा, जिन्होंने बाद की सरकार फिल्म 2018 की और पूर्वा की मूवी पेटा 2019 का निर्माण किया है। बता दें दोस्तों हालांकि 25 नवम्बर 2018 को लाइका प्रोडक्शन ने घोषणा किया था कि वह जो है रजनीकांत के साथ और मुर्गादास के साथ जो है पूर्वा के 2.0 मूवी 2018 की और बाद की यानी कि कत्ती फिल्म 2014 के अपने पिछले सहयोग के बाद जो है फिर से सहयोग करेंगे, क्योंकि दिसंबर 2018 में आयोजित किए गए एक पुरस्कार समारोह में मुर्गादास ने उनके साथ जो है नर यानी कि नरकली के रूप में फिल्म के शीर्षक के दावे का खंडन किया गया, झूठा बतलाया गया और आगे कहा गया था कि यह भी कहा गया था कि फिल्म मेरी पिछली हिट यानी कि फिल्मों की तरह एक जो है रजनीकांत की शैली नहीं है, लेकिन यह एक यानी कि व्यावसायिक सामूहिक मूवी बन सकती है। इस फिल्म का निर्माण कार्य शीर्षक जो है यानी कि थलाई वर 167 के साथ शुरू हुआ था, लेकिन संगीत जो है निर्देशक इन साथी अनिरुद्ध रवि चंद्रन और उनके साथ छायाकर संतोष सिवन ने मिलकर फिल्म में अपनी जो यानी कि उपस्थिति की खुले तौर पर पुष्टि की। 29 मार्च 2019 को मुर्गादास ने फिल्म की सफलता के लिए एक जो है इनकी विशेष पूजा प्रार्थना करवाए थे और प्रार्थना करने के लिए साथ ही पछानी एन मुर्गा यानी कि मुर्गन मंदिर की यात्रा की थी और पेशकश किया गया था उसी समय में, और फिल्म के शीर्षक और रिलीज की तारीख की भी घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि 9 अप्रैल 2019 को ये फिल्म का इनकी फर्स्ट लुक पोस्टर जो है इनकी लाइका प्रोडक्शन द्वारा सोशल मीडिया एंड साथ ही प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसने फिल्म के शीर्षक को दरबार के रूप में प्रकट किया था। इन फिल्म के लिए रजनीकांत की पहली नज़र में वह पुलिस यानी कि कुत्ते एंड बेल्ट बैच के साथ जो यानी कि हथकड़ी से घिरा हुआ दिखलाया गया था, क्योंकि यह मूवी जो हर यानी कि रजनीकांत को 27 साल बाद जो फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए चिन्हित करता है, जिसके जो यानी कि आखिरी पुलिस भूमिका पंडियन मूवी में था, जिसे 1992 में रिलीज की गई थी। और एक साक्षात्कार में फिल्म के निर्देशक जो मुर्गादास ने कहा था कि यह फिल्म जो यानी कि मुंदरू एंड साथी मोगम मूवी 1982 की फिल्म की एक यानी कि चरित्र पर और साथ ही एलिस के साथ जो है पंडियन जैसे जो यानी कि सख्त पुलिस वाले के बारे में फिल्म की कहानी भी लिखी गई थी। तो दोस्तों दरबार फिल्म को 2019 में ही घोषणा कर दिया गया था, लेकिन ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले, लेकिन फिल्म की जो बजट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसके वजह से ये मूवी जो उतना अच्छी कमाई नहीं किया। फिर भी ये फिल्म जो है साउथ की सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम जरूर किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना,
दोस्तों इस फिल्म के लिए चंद्रमुखी 2015 में एनसीबाजी द बॉस 2007 के बाद जो है नयनतारा को तीसरी बार जो है रजनीकांत के साथ सहयोग करते हुए देखा गया। फिल्म में महिला प्रधान भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। बाद में एक कैमियो लेखने के बावजूद जो पहले यह बतलाया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता यानी कि प्रतीक बब्बर इंसाती दरबार में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि बाद की रिपोर्टों के मुताबिक ये पता चला था कि फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया था, जिसने तमिल सिनेमा में अपनी पूर्व शुरुआत की थी एंड अन्य तमिल फिल्मों में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए पिछले प्रस्ताव को ठुकराने के बावजूद जो है शेट्टी ने प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि उनके साथ जो है यानी कि मरा ककर की शूटिंग के दौरान जो है मुर्गा दास ने शेट्टी से संपर्क किया था, जिसके लिए शेट्टी ने अपने बाल लंबे कर लिए थे एंड मुर्गा दास शेट्टी के लंबे बालों के साथ कुछ यानी कि खास करना चाहते थे। शेट्टी ने मुर्गा दास को अपने यानी कि मैन बनाकर रूप यानी कि मैन बन का रूप दिया था, जिसे वह अंततः फिल्म के लिए इस्तेमाल किए थे। और एक स्वच्छताकार में शेट्टी ने खुलासा किया था कि कैसे दरबार मूवी एंड तमिल सिनेमा में उनकी पहली यानी कि भावपूर्ण मूवी बन गई थी। दोस्तों योगी बाबू को इस फिल्म में लिया गया था माध्यम से पहली बार जो है रजनीकांत के साथ अपना सहयोग करते हुए फिल्म में दिखाई दिए थे। दोस्तों इस फिल्म को 4 अप्रैल को रजनीकांत की इंसाती विशेषता वाला एक यानी कि फोटोशूट एंड चेन्नई के लोकप्रियता स्टूडियो में आयोजित किया गया फिल्म था, क्योंकि फिल्म के लिए प्रसिद्ध यानी कि फोटोग्राफ एन साथी वेंकट राम के साथ और साथी निहारिका एन साथी भसीन खान द्वारा जो है डिजाइन की गई थी, क्योंकि वेशभूषा एन साथी अनधिकारिक के रूप में इस फिल्म के लिए एंटरटेन यानी कि इंटरनेट पर लीक की गई थी। तस्वीरों में अभिनेता को एक पुलिस वाले के रूप में दिखलाया गया है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2019 को मुंबई में शुरू हुई थी। दोस्तों फिल्म के लिए रजनीकांत इन साथी उनके साथ निवेता थॉमस और योगी बाबू इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे और उनकी सारी तस्वीरें जो इंटरनेट पर लीक हो गई थी। 3 मई 2019 को एक जो है परिसर में साथी कॉलेज के छात्रों के साथ जो है साथी उनके साथ जो है घर्षण की रिपोर्ट के बारे में जहाँ पर फिल्म को फिल्माया जा रहा था और फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया, क्योंकि जिसे जो है बाद में फिर से शुरू किया गया और फिल्म का पहला शेड्यूल 15 मई को पूरा किया गया था। तो दोस्तों फिल्म का दूसरा शेड्यूल 29 मई को फिर से शुरू किया गया था और 30 जून के भीतर ही पूरा भी कर लिया गया था, क्योंकि फिल्म के लिए सुनील शेट्टी और फिल्म के दूसरे शेड्यूल में शामिल हुए थे, जो 5 जून 2019 को सेट में उच्च औषधि सुरक्षा के बावजूद जो है शूटिंग स्थल से एक वीडियो ने औषधि अनौपचारिक रूप से इंटरनेट पर अपनी जगह बना ली थी और फिल्म निर्माता ने जून 2019 के अंतिम जो है हफ्ता में फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है इसी तरह की घटना की सूचना दी थी और भारी बारिश का हवाला देते हुए टीम ने स्थान को मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। और यह बताया गया था कि फिल्म जो है अगस्त 2019 के अंत में पूरी हो जाएगी और फिल्म को जनवरी में 2020 के अंदर रिलीज किया गया और रिलीज होने के बाद इस फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। तो दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे दरबार फिल्म को, जिसमें रजनीकांत एंड सुनील शेट्टी एक साथ नजर आए हुए थे। बता दें दोस्तों सुनील शेट्टी की पहली फिल्म है साउथ के अंदर और इन्होंने अपने साउथ में और तमिल भाषा में सबसे पहले इसी फिल्म में अभिनय किया है। तो दोस्तों सुनील शेट्टी के लिए 1 लाख तो जरूर बनता है। तो दोस्तों अगर आप भी साउथ की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो और सुनील शेट्टी के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिपोर्टर्स के मुताबिक ये पता चला था कि फिल्म के दूसरा शेड्यूल पूरा करने के बाद फिल्म के निर्माता ने यानी कि 10 जुलाई 2019 से शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए 10 यानी कि 10 दिनों का लंबे ब्रेक लिया था, क्योंकि 25 जुलाई को मुर्गा दास सर ने फिल्म से कुछ यानी कि चित्र साझा किए थे, जिसमें जो है रजनीकांत के हाथ में औषधी तलवार है और पहले जो है तस्वीर में एक जो है पुलिसकर्मी की वर्दी में धूल के बदल से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका यानी कि दूसरी तस्वीर में वह जो यानी कि हल्के नीले रंग के सूट में खुश यानी कि दिखाई दे रहे हैं। और फिल्म का अंतिम शेड्यूल 19 अगस्त 2019 को जयपुर में शुरू हुआ था, जहाँ पे कुछ यानी कि एक्शन दृश्यों की शूटिंग की गई थी। दोस्तों फिल्म के लिए 11 अक्टूबर 2019 को फिल्म के निर्माता ने घोषणा किया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है एंड 7 नवंबर 2019 को रजनीकांत ने चेन्नई में फिल्म के लिए डबिंग शुरू की और 2 दिनों के भीतर ही पूरा कर लिया था। फिल्म का साउंड और साथ ही स्कोर जो है अनिरुद्ध रविचंद्रन द्वारा रचित किया गया था, जो कि पेटा 2019 के बाद जो है रजनीकांत के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित करता है। दोस्तों फिल्म के निर्देशक AR मुर्गा दास के साथ जो है इनके कथित 2014 के बाद भी उनके साथ जो इनके थलाई वर थीम नामक जो है फिल्म के लिए एक इनकी वाद और साथ ही जो है थीम जो है गीत जो कि मोशन पोस्टर के साथ 7 नवंबर 2019 को जारी किया गया था।
इस फिल्म का पहला एकल जो है चुम्मा किसी के साथ जो है विवेक के बोल और साथ ही एसपी के साथ जो है बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था, जो 27 नवंबर 2019 को जारी भी किया गया था और फिल्म का एल्बम 7 दिसंबर 2019 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी कि इंडोर के साथ स्टेडियम इन चेन्नई में लॉन्च किया गया था। फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में और एक जो है साथ जो है यानी कि उनके साथ ऑनलाइन संगीत जो है यानी कि स्ट्रीमिंग के माध्यम से स्ट्रीम के साथ जो है करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। बता दें दोस्तों फिल्म के एल्बम के रिलीज होने के बाद इस फिल्म के साउंड आर्ट में एक जो है कि कर्नूला इंसाते थिमेरो के साथ जो है शीर्षक से एक यानी कि अप्रकाशित जो है पीछा हुआ था, क्योंकि फिल्म के गीत में काफ़ी अच्छी यानी कि जिसे तीन जो है कि ट्रांस वुमन एंड साथी गायकों के साथ जो चंद्रमुखी एंड रचना और प्रिया मूर्ति द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया था और उन्होंने फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर लाइव प्रदर्शन भी किया था और फिल्म के गीत को एल्बम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि अनिरुद्ध को ये जो है कि अन्नामलाई एंड 1992 के थीम गीत के धूम जो है कि वैकेंस के साथ जो है गीत को रिलीज करना था और फिल्म के गीत के लिए अनिरुद्ध ने अनुभवी संगीतकार देवा को यानी कि धुन उनके साथ जो धुन के बरसात और साथ ही सेक्शन का उनके साथ संचालन करने के लिए चुना था। जनवरी 2020 के मध्य में गाने का एक यानी कि मेकिंग इंसाती वीडियो जारी किया गया था जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गया। दोस्तों फिल्म के साउंड एल्बम की समीक्षा करते हुए साथ ही बिहाइंड वुड्स ने इस फिल्म को 5/3 स्टार की रेटिंग दिया था और कथन दिए थे और फिल्म के लिए अनिरुद्ध हर यानी कि रजनी कोड यानी कि रजनी मोड के लिए एक जो है दिलचस्प यानी कि धुनों को पैक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दृश्य अधिक यानी कि पंच यानी कि जुड़ेंगे और इस फिल्म के लिए समान रेटिंग भी दी गई थी और कहा गया था कि फिल्म के एल्बम जो कि आपको अंतिम यानी कि अंतहीन रूप से अपने जो है कि पैर एंड साथी थपथपाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों सिफी ने कहा था कि इस फिल्म के साउंड एल्बम इन साथ रजनीकांत की पिछली फिल्म जो है पेटा की तुलना में काफ़ी जो है निराशाजनक है क्योंकि यह प्रभावशाली गीतों के कारण है लेकिन यह श्रोता की आत्मा के छूते हैं और उन्हें जो है उनके साथ गाने में सक्षम बनाते हैं क्योंकि मूवी क्रो ने इस फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दिया था और कहा था कि अनिरुद्ध की धुन जो है शायद यानी कि यादगार होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में दरबार मूवीज़ को हिंदी डब में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दरबार मूवी की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। तो दोस्तों फिल्म के लिए फर्स्ट लुक रिलीज की घोषणा पर फिल्म के निर्माताओं ने पोंगल उत्सव के साथ रिलीज को शेड्यूल करने की भी योजना बनाई थी क्योंकि फिल्म 11 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन नवंबर 2019 में निर्माता ने विस्तारित इंसाती अवकाश के हफ्ता का लाभ पाने के लिए 9 जनवरी 2020 की नई रिलीज की तारीख की घोषणा की क्योंकि पोंगल 15 जनवरी 2020 को पड़ते थे और फिल्म ने दुनिया भर में 7,000 स्क्रीनों में शुरुआत की थी और पूरे भारत में 4,000 स्क्रीनों के साथ जो है रिलीज हुआ था, जो 7 जनवरी 2020 को उच्च इंसाती न्यायालय ने उनके साथ मलेशिया में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी क्योंकि इसके निर्माता अपने वितरक को 23 करोड़ के घाटे का भुगतान करने में विफल रहे थे। हालांकि बाद में लाइका प्रोडक्शन द्वारा 4.9 करोड़ की बैंक जो है गारंटी दिखाने के बाद दावों को रद्द कर दिया गया था। बता दें दोस्तों इस फिल्म के लिए धीरज इंसाती एंटरप्राइजेज ने उनके साथ कर्नाटक में फिल्म के वेतन अधिकार खरीदे थे। फिल्म के उत्तर इन साथी भारतीय नाट्य इन अधिकार जो है उनके साथ रिलायंस एंटरटेनमेंट को बेचे गए थे और फिल्म को उत्तर भारतीय इन साथी सर्किट में रिलीज भी किया गया था। इन प्राइम वीडियो ने अमेरिकी अधिकार हासिल कर लिए थे और भारतीय रिलीज से एक दिन पहले 8 जनवरी को फिल्म को रिलीज कर दिया गया था क्योंकि फिल्म का मोशन पोस्टर 7 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इन कमल हसन के साथ जो यानी कि सलमान खान और साथ ही मोहनलाल और महेश बाबू ने फिल्म के पोस्टर जारी किए थे। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर 16 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किए गए एक लॉन्च इवेंट में जारी किया गया था जिसमें जो है रजनीकांत इन साथी सुनील शेट्टी एंड मुर्गा दास इस फिल्म में एक साथ मौजूद थे। तो दोस्तों फिल्म के प्रचार को अधिक जो है कि विशिष्ट बनाने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने इन साथ ही स्पाइस जेट के साथ जो है एयरलाइंस को अपनी उड़ान में जो है दरबार रजनीकांत के साथ जो है कि पोशाक के साथ लपेटा था
और फिल्म दरबार से पुलिस की वर्दी में रजनीकांत की छवि वाले जो है इनकी विमान पर उनके साथ बाहरी इन साथी बोर्डिंग के साथ जो प्रदर्शित की गई थी, जो कि उनके साथ एयर एशिया इंडिया 4 के साथ जो है इनकी कव्वाली के 2016 के बाद जो यह दूसरी बार है जबकि किसी यात्री के जेट को यानी कि किसी भी भारतीय फिल्म के विज्ञान के लिए लपेटा गया है। तो दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दरबार फिल्म को, जिसे 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, और इस वीडियो में हम बता रहे हैं दरबार फिल्म को कैसे बनाया गया था और फिल्म की क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी दरबार फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों दरबार फिल्म के प्रचार को लेकर अधिक जो है इनकी विशिष्ट बनाने के लिए फिल्म के निर्माता ने स्पाइस जेट का एयरलाइन की अपने जो है उड़ान में दरबार रजनीकांत के साथ पोशाक के साथ जो है लपेटा गया था, क्योंकि 2016 के बाद यह दूसरी बार है जब किसी यात्री के जेट को किसी ने भारतीय फिल्म के लिए विज्ञापन के लिए लपेटा गया है। क्योंकि द हिंदू से बात करते हुए लाइका प्रोडक्शन के CEO के साथ जो है इनकी आर और साथ ही कर्णन ने कहा था कि फिल्म दुनिया भर में 7000 स्क्रीन पर रिलीज होगी और हम इसे कुछ यानी कि द्वीपों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों कर्णन ने कहा था कि उनके साथ स्पाइस जेट और साथ ही कैडबरी के साथ जो है इनकी मुक माइशो और साथ ही एयरटेल के साथ जो है जैसे लगभग जो है 15 ब्रांडों ने फिल्म के साथ जो है इनकी करार दिया था। हम फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 7.80 मिलियन खर्च कर रहे हैं इसी फिल्म के लिए। साथ ही बीप मन के साथ जो है इनकी विनेश निवेश के साथ जो है तमिल सिनेमा में सबसे ज़्यादा है। बता दें दोस्तों फिल्म को 24 फरवरी 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पर अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। फिल्म के साथ ही सैटेलाइट अधिकार जो है सन TV को बेचे गए थे। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, क्योंकि फिल्म के समीक्षा एग्रीगेटर इन साथी वेबसाइट पर रोटन टमाटोज ने 7 समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग दिया था और इस फिल्म के बारे में 57 की साथ ही स्वीक रेटिंग की सूचना दी थी। क्योंकि वेबसाइट की इन साथी आलोचनात्मक इन साथी सहमति में लिखा गया है कि दरबार मूवी इन सुपरस्टार जो है रजनीकांत की हिट जो है निर्देशक के AR मुर्गादास के साथ पहली फिल्म हो सकती है, लेकिन ये मूवी एक जो है रजनी फिल्म बन गई है और हर यन के कदम पर एक और जो है इनकी थलाइवर के निरंतर पर जो है मिथन के आगे झुकती है। दोस्तों फिल्म के लिए बिहाइंड सूज ने लिखा है कि रजनीकांत के दरबार फिल्म में रजनीकांत को लेकर दरबार फिल्म की यानी कि सुपरस्टार की शैली इन साथी द्रव्यमान के साथ पूरी तरह से यानी कि पदार्थ है और फिल्म को 5 में से 2.75 की रेटिंग दिया था। उसके बाद NDTV की सेबल चटर्जी ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है कि दरबार फिल्म को रजनीकांत के इन साथी प्रशंसकों पर निष्पक्ष निकाले हैं और चौकोर के साथ जो निशाना बनाया गया है, लेकिन यह मसाला सिनेमा को ऊर्जा का एक जो है नया शॉट देने के लिए कुछ नहीं करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हुए एक जो है कि सुंगत ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया और कहा कि दरबार फिल्म एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स तो मिले हैं लेकिन मूवी ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों दरबार मूवी के रिलीज होने का पूर्व अधिकार 220 करोड़ में बेचा गया था, जो इस पैसों को अगर हम USA में कन्वर्ट कर दें तो 29 मिलियन में बेचे गए थे और फिल्म के तमिलनाडु नाते अधिकार जो 60 करोड़ में बेचे गए थे, जो USA में कन्वर्ट कर दें तो 7.9 मिलियन में बेचे गए थे। फिल्म के लिए कर्नाटक नाट्य इन साथ ही अधिकार जो है 9 करोड़ में बेचा गया था, जो USA में कन्वर्ट कर दें तो 1.2 मिलियन में बेचे गए थे। केरल में इस फिल्म को 6 करोड़ में बेचे गए थे, जहाँ पे हम USA में कन्वर्ट कर दें तो 7,90,000 USD में बेचा गया था। और आंध्र प्रदेश में फिल्म को 15 करोड़ में बेचा गया था, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 2 मिलियन हो जाता है। इसी के साथ बेचा गया था और फिल्म के उत्तर भारत के अधिकार, जिसमें जो हिंदी डबिंग एंड उपग्रह डिजिटल अधिकार नाटकीय अधिकार शामिल थे, इस फिल्म के 40 करोड़ में बेचा गया था, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 5.2 मिलियन में बेचा गया था। और फिल्म ने विदेशी अधिकारों पर 37 करोड़ में बेचा गया था, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 4.9 मिलियन में इस फिल्म को बेचा गया। फिल्म के उपग्रह और साथ ही डिजिटल अधिकार जो है 50 करोड़ में बेचा
गया था। तो दोस्तों फिल्म ने अच्छी कमाई किए थे लेकिन मूवी का बजट भी बहुत ज़्यादा था जो कि रिकवर करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन फाइनली इस फिल्म ने अपने बजट को रिकवर कर लिया था। तो दोस्तों फिल्म ने कथित तौर पर अपने पहले दिन अकेले जो है तमिलनाडु में 180 मिलियन रुपये की कमाई की थी और इसने तमिलनाडु में लगभग 110 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है। चेन्नई में इस फिल्म ने लगभग जो है यानी कि 14.67 करोड़ रुपए की कमाई किया था, जबकि केरल और कर्नाटक में इसने जो है क्रमशः 8 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। तो दोस्तों इस फिल्म ने इसी तरह 24 करोड़ रुपए एक तरह किए थे और इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से लगभग जो है 23 करोड़ रुपए और हिंदी संस्करण में फिल्म ने 15 करोड़ रुपए एक तरह किए थे और फिल्म ने पहले 11 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 35 बिलियन से आधे की कमाई किया था। तो दोस्तों दरबार मूवी ने रिलीज होने के बाद 11 दिनों में दुनिया भर में 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया था और फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने पहले दिन जो है 4 लाख से अधिक की कमाई किया था, यूएस डॉलर में कमाई की थी और शुरुआती हफ्ते में दरबार मूवी ने यूएसए में 1 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। तो दोस्तों आखिरकार इस फिल्म ने दुनिया भर में 2020 तक फिल्म ने यानी कि यूएसए में 1.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेनिंग करके बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा। फिर आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फिल्म रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। तो दोस्तों इस फिल्म को 16 जुलाई को जापान की थिएटर में श्रृंखला और साथी एमकेसी के साथ रिलीज किया गया था, एमकेसी प्लेक्स में फिर से रिलीज किया गया था क्योंकि दरबार साथ ही जो है यानी कि रिवेंज एक जो है हफ्ता के लिए एक पूर्ण यानी कि घर के साथ चला था। फिल्म जिसे 21 जुलाई तक जो है प्रदर्शित किया जाना था और जुलाई के अंत तक जो है यानी कि बढ़ा दिया गया था और कुछ यानी कि रिपोर्टों ने यह भी सुझाव दिया था कि यह कुछ यानी कि शहरों में अगस्त तक जो है चलने का संभावना था और जापान में दरबार मूवी के लिए कई शो जो है यानी कि जोड़े गए थे, वहाँ यानी कि टिकटों की भारी मांग की गई थी। इन वितरक यानी कि मुनाफे से बहुत यानी कि खुश है क्योंकि इस फिल्म के और साथ ही नागोया और साथ ही निकाटा जैसे अन्य शहरों में टिकट की बिक्री हुई थी। दोस्तों फिल्म के लिए मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जो है फिल्म ने 230 मिलियन की कमाई की है और फिल्म ने लगभग जो है 15 करोड़ तक जो है भारतीय रुपए का संग्रह किया है। दरबार मूवी मुथू के बाद जो है जापान में रजनीकांत के लिए दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों दरबार मूवी में दो दृश्य शामिल है जिसमें जो है इनके पात्र जेल के कैदियों को बाहर जाने और उनके साथ जो है खरीदारी करने की अनुमति देते हैं क्योंकि किसी भी दृश्य में रजनीकांत द्वारा संवाद नहीं दिए गए हैं, हालांकि अभी नेता फिल्म में शॉट में उनके साथ जो है इनकी मौजूद है। एनसाथी लाइका प्रोडक्शन ने घोषणा किया था कि वह फिल्म में एनसाथी विवाद सबत एनसाथी संवादों को हटा देंगे जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जे एनसाथी जयललिता के जेल में बंद यानी कि सहयोगी बी के साथ जो है उनके साथ जो है इनकी शशिकला का संदर्भ माना जाता था क्योंकि लाइका प्रोडक्शन ने ट्विटर पर एक जो है बयान जारी किया था जिसमें जो है लिखा गया था कि दरबार में विशेष यानी कि शब्दों और साथ ही संवादों में कैदियों या फिर जो है कैदियों के यानी कि कारावास के दौरान जो है जेल या जेल के बाहर जो है जाने का संदर्भ में केवल जो है दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने के इरादे से शामिल किया गया था क्योंकि संदर्भित जो है करने का इरादा किसी भी इनकी विशिष्ट इंसानी व्यक्तित्व के लिए किसी को इनकी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। दोस्तों दरबार फिल्म के लिए विशेष शब्दों और संवादों में कैदियों या फिर कैदियों के कारावास के दौरान जेल या जेल से बाहर जाने के संदर्भ में केवल जो है दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने से शामिल किया गया था क्योंकि संदर्भित करने का इरादा किसी भी यानी कि विशिष्ट इंसानी व्यक्तित्व के लिए किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। हालांकि क्योंकि इस फिल्म के और उनमें से कुछ जो शब्दों से कुछ लोगों को ठेस पहुंचानी थी और इसीलिए हमने इसे एक फिल्म यानी कि हटाने का फैसला किया। फिल्म के अभिनेता सुप्रसन्न रजनीकांत ने दरबार मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था और महसूस किया था कि उनके साथ यानी कि शक्तिशाली एन साथी नटराजन के साथ जो है दिवंगत एन मुख्यमंत्री जी के साथ जो है जयललिता की करीबी दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दरबार फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देसी बॉयज फिल्म ने 7 नवंबर 2010 को फिल्मांकन इस मूवीज की शुरू की गई थी और मई 2011 में शूटिंग पूरी भी कर दी गई थी। फिल्म में सोनम कपूर को मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाना था लेकिन उन्होंने फिल्म को अस्वीकार कर दिया और अनुष्का शर्मा को फिल्म की पेशकश की गई और अफवाह थी कि लेकिन उन्होंने इसे जो है इनकार कर दिया था
और आखिरकार दीपिका पादुकोण और साथ ही चित्रंग गद्दा सिंह को फीमेल लीड के रूप में फाइनल किया गया था। और यह यानी कि गरम मसाला के बाद अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के सहयोग का प्रतीक है। दीपिका पादुकोण को पहली बार जॉन अब्राहम के साथ देखा गया था और इसमें जो है यानी कि सिंह चित्र गद्दा सिंह ने अपने पहले व्यावसायिक उद्यम में अक्षय कुमार के साथ अभिनय की थी। साथ ही अक्षय फोर्ड विश्वविद्यालय में एक जो है दृश्य के लिए अतिरिक्त सामग्री की कमी के बाद जो है फिल्म ने फिल्मांकन के लिए अतिरिक्त और लोगों की भर्ती के लिए जो है इनकी वेबसाइट starnow.com का उपयोग किया था। और साथ ही पहला नाटकीय ट्रेलर 23 सितंबर 2011 को मौसम के साथ जो है जारी किया गया था, जबकि दूसरा ट्रेलर 26 अक्टूबर 2011 को राव वन के साथ इसके जारी किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे देसी बॉयज फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग देसी बॉयज फिल्म को YouTube पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। देसी बॉयज मूवी को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से एक केवल और साथ ही वयस्क प्रमाण पत्र मिला था। हालांकि निर्माताओं को UA और साथ ही प्रमाण पत्र की उम्मीद थी और फिल्म 23 नवंबर 2011 को थैंक्सगिविंग गिविंग और साथ ही हॉलीडे वीकेंड के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी और 2 दिन बाद 25 नवंबर 2011 को भारत में रिलीज की गई थी। साथ ही थकाऊ और कम से कम जो है यानी कि सम्मोहक और दूसरे घंटे के कारण जो है तरण आदर्श ने फिल्म को 2 सितारे दिए हैं। हालांकि उन्होंने मुख्य अभिनेताओं की केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि अक्षय और जॉन के बीच की दोस्ती और साथ ही उनके साथ जो है मार्ग यानी कि गर्मा गर्म है। और Rediff.com के राजा सेन ने इसे जो है अपर्दा बताते हुए 1.5 स्टार दिए और अनिरुद्ध गुहा ने इस फिल्म को 2 स्टार दिए हैं और इसे सराहनीय से अधिक की कहा हुआ है। अनिरुद्ध गुहा सर ने इस फिल्म को 2 स्टार दिए हैं और इसे सराहनीय से अधिक कहा है। यह याद करने के बावजूद कि फिल्म ने उसे जो है 2 बार और साथ ही जोर से हंसाया है। साथ ही उनके साथ सुभाष केझा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और अत्यधिक मनोरंजन इस फिल्म को कहा है। सेक्स कॉमेडी फिल्म और साथ ही जिसमें जो है स्मार्ट सेक्सी और साथ ही स्मार्ट यानी कि सेक्सी और सेक्सी और डार्क यानी कि दुस्साहसी हास्य के साथ जो है यानी कि स्पार्क लिंग कहा जाता है। फिल्म को मुख्य रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें जो है अच्छा किया गया था और फैसला किया गया था। इंडिया गिलीज ने इस फिल्म को 4 स्टार की रेटिंग दिए हैं और साथ ही उनके साथ जो है ग्लैशम ने इसे जो है 3 स्टार की रेटिंग दी है और शिफी ने इसे 3 स्टार की रेटिंग दिए हैं। कोमल नेहटा ने इस फिल्म को 3+1 यानी कि 3.5 स्टार की रेटिंग इस फिल्म को दिए है। और बॉक्स ऑफिस इंडिया के बारे में हम बातें करें तो देसी बॉयज फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ता में घरेलू स्तर पर 275 मिलियन रुपए की औसत से ऊपर की शुरुआत की थी और शनिवार को इसमें जो है 20% की वृद्धि हुई थी, जिससे जो है 2 दिनों का कुल योग्य ₹180 मिलियन शुद्ध यानी कि फिल्म ने एक हफ्ता के यानी कि अंत तक जो है लगभग इंडियन रुपीज में 280 मिलियन और अपने पहले हफ्ते के अंत तक जो है इंडियन रुपीज में 380 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और इसने अपने दूसरे हफ्ते में 342.5 मिलियन की कमाई की थी इंडियन रुपीज में। और कुल मिलाकर जो है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस जो है 460 मिलियन हो गया था और इसने भारत में कुल मिलाकर जो है 540 मिलियन और दुनिया भर में 770 मिलियन एक तरह किए थे। और देसी बॉयज फिल्म को कुल मिला के औसत घोषित किया गया है। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है उम्मीद से काफ़ी कम था क्योंकि इसे आश्चर्यजनक रूप से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म साथ ही जो यानी कि सर्टिफिकेशन ने ए और साथ ही सर्टिफिकेशन इसको मिला था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज फिल्म को। इस फिल्म में अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम ने अभिनय किए हैं और ये मूवी गर्म मसाला के बाद रिलीज हुआ था और इस मूवी से जुड़े काफी अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस फिल्म में अक्षय कुमार जगनेश जैरी के किरदार में नजर आए हैं, जॉन अब्राहम इस फिल्म में निक्की निक के किरदार में नजर आए हैं, संजय दत्त इस फिल्म में मिस्टर खलनायक के किरदार को निभाए हैं, दीपिका पादुकोण राधिका राधेश के किरदार में नजर आई हैं, चित्रंग गद्दा इस फिल्म में तान्या शर्मा के किरदार को निभाई है। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में हम कुछ बातें करते हैं, इस मूवी का स्टोरी काफ़ी अच्छा है और फिल्म की कहानी में ट्विस्ट हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। ये मूवी एक हॉट फिल्म है जो कि देसी बॉयज के नाम से इस फिल्म को रिलीज किया गया था सिनेमाघरों में और ये मूवी एक सुपरहिट तो नहीं बोल सकते औसत से कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में
थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कहानी दो दोस्तों और साथ ही रूममेट से शुरू होती है। गुजराती विद्रोही और साथ ही जिग्नेश जेरी पटेल और लंदन में रहने वाले साफ सुथरे निखिल निक के साथ इस मूवी की शुरुआत होती है। निखिल निक माथुर की है। जेरी जीवन न्याप के लिए साथी जो है अजीबो गरीब काम करता है क्योंकि वह जो है इनके स्नातक है, लेकिन निक के पास जो है सफ़ेद पोश और साथ ही नौकरी है। हालांकि आर्थिक मंदी के कारण दोनों खुद को जो है यानी को बेरोजगार पाते हैं। जेरी का एक स्कूली और साथ ही उम्र का भतीजा है जिसका जो है नाम बीर रखा गया है इस फिल्म में, जिसकी देखभाल वह जो है करता है। और क्योंकि बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया है और निक अपनी प्रेमिका राधिका शादी और सती से शादी करने का इरादा रखता है, जो एक प्यारी शादी और एक यानी कि शानदार हनीमून और शादी के बाद जो है रहने के लिए एक शानदार घर का सपना हमेशा देखता रहता है। एक नौकरी के कारण जेरी को बीर की स्कूल की फीस का भुगतान करना भी मुश्किल लगता है, और जिसके कारण जो है यानी कि सरकार बीर की कस्टडी एक जो है पालक परिवार को देने की कगार पर है। निक को डर लगता है कि वह अपनी होने वाली पत्नी के यानी कि सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, और यह मुश्किल समय से निपटने के लिए है कि जेरी और निक दुनिया के सबसे अजीब पेशे में बदल जाते हैं, क्योंकि वह जो है लड़कियों और महिला की कल्पनाओं को पूरा करने वाले मिस्टर एन खलनायक के साथी यानी कि स्वामित्व वाली कंपनी के लिए एस्कॉर्ट बन जाते हैं। और साथी जो यानी कि बहरहाल एक बार उनके कवर और उड़ जाने के बाद यानी कि दुर्भाग्य हो जाता है। जेरी बीर को एक पालक घर में जो है जाने से रोकने में वह जो यानी कि असमर्थ हो जाता है, और निक और राधिका को खो दिया जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि वह जो है भारत में दूर रहने के दौरान क्या कर रहा है, तो निराश निक ने जेरी को यानी कि पेशे में मजबूर करने के लिए दोषी ठहराया और उसे जो है अपने घर और जीवन से बाहर जाने के लिए वहाँ से हुक्म देता है। अब जेरी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। निक अब साथी राधिका को वापस जीतने की कोशिश करता है और सबसे यानी कि अप्रत्याशी और साथी सूत्र से मदद मिलती है। राधिका के पिता सुरेश जो कि उसके साथ लंदन आए हैं, और इसी बीच बीर के गोद लेने के प्रभारी और एक यानी कि सामाजिक सेवा कार्यकर्ता और साथी विक्रांत मेहरा की सलाह पर जेरी ने फिर से जो है कॉलेज में अपना स्नातक पूरा करने के लिए पंजीकरण कराया था, ताकि वह बीर की कानूनी और साथ ही उनके साथ जो हिरासत पाने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सके। और कॉलेज में रहते हुए वह जो है जेरी अपने और साथ ही अर्थशास्त्र के प्रोफेसर से बिना किसी कारण के उसे जो है बाहर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। जब उसे यह पता चलता है कि वह जो है कोई और नहीं है बल्कि उसकी पूर्व और साथ ही सहपाठी तान्या शर्मा है, जो अब यानी कि उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी है, दोनों के बीच यानी कि चिंगारियां उड़ती है। और इसी बीच जो है निक को यानी कि इस शर्य करने के लिए राधिका अजय नाम के एक यानी कि व्यक्ति को डेट करती है, और निक अजय को चुनना शुरू कर देता है और अक्सर उसे जो है यानी कि जानबूझकर विजय कहता है, और कुछ यानी कि पुनर्विचार के बाद जो है राधिका निक को माफ कर देती है। लेकिन जेरी के अस्वीकार करने के बाद वह जो है उसे यानी कि अस्वीकार कर देता है। इसी बीच जेरी कॉलेज से स्नातक करता है और यानी कि तान्या का दिल भी जीत लेता है। निक जेरी की मां के साथ जो है आता है और उसे माफ़ी मांगता है, और निक और जेरी के सुलह होने पर जो है सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है, और जेरी फिर से जो है राधिका को निक को वापस जीतने में मदद करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज़ फिल्म को, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस वक्त अभी हम बातें कर रहे हैं इस मूवी की इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़ी काफी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। निक फिर जेरी को उच्च और साथ ही वेतन वाली नौकरी दिलाने में मदद करता है, और जेरी अदालत में जाने और बीर की कस्टडी वापस लेने का फैसला करता है। अजय जेरी के पक्ष पर जो है निकल पड़ता है, और वकील जो है यानी कि पक्ष का वकील निकाला हुआ जेरी को अपना
केस जीतने नहीं देकर जो है निक से बदला लेने का फैसला करता है। अजय अदालत को बताता है कि जेरी एक पुरुष अवसादी अनुरक्षक है और वह जो है बीर के लिए कितना बुरा आदर्श होगा। जेरी के खिलाफ गवाही देने के लिए 3 गवाहों को लाना होता है और वह जो है यानी कि उनमें से प्रत्येक से पूछता है कि क्या उन्होंने जेरी को सेक्स के लिए भुगतान किया था, और लेकिन केवल एक ही हाँ कहता है और अजय जीतने की कगार पर है। लेकिन मिस्टर खलनायक यानी कि कोर्ट रूम में आ जाते हैं और जज को प्रभावित करते हैं। जेरी फिर जज को एक प्रेम भाषण देता है। वह केस जीत जाता है और बीर की पूरी कस्टडी हासिल कर लेता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और अंत में हर कोई खुश हो जाता है और एक संक्षिप्त अंत के दृश्य में एक अखबार के लेख में दिखाया गया है कि यानी कि मंदी और साथी वापस आ जाएगी। और जब श्री खलनायक एक फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुंबई में एक शाखा के लिए यानी कि लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। और यहीं पे ये इस फिल्म को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों इस वक्त हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज़ फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रोहित धवन सर ने और इस फिल्म की कहानी भी रोहित धवन ने ही लिखी है। इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, जौहन इब्राहिम, दीपिका पादुन, चित्रंग गद्दा सिंह एंड अनुपम खेर, संजय दत्त इस फिल्म में नजर आए हैं सहायक भूमिकाओं में। 25 नवंबर 2011 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को अच्छी रिव्यू रेटिंग मिला हुआ है। हीरोज इंटरनेशनल के तहत इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 75 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया है और 77 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने दुनिया भर में किया है। इस फिल्म से जुड़ी काफी अननोन फैक्ट इस वीडियो में हम बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे देसी बॉयज फिल्म को और मूवी से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। फ्रेंड, गरम मसाला मूवीज़ के बाद ये दूसरी किस्त है जॉन इब्राहिम एंड अक्षय कुमार सर के, और ये दूसरी फिल्म है इन दोनों के एक साथ। उसके बाद जो है तीसरा किस्त हाउसफुल जैसी सीरीज में इन्होंने काम किए हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी ऐसे अननोन फैक्ट को बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। देसी बॉयज फिल्म को पश्चिमी में विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे यानी कि ट्राई वैली और यूनिवर्सिटी, साथ ही हेरागुआन और यूनिवर्सिटी लंदन और साथ ही मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और नवारी विश्वविद्यालय द्वारा जो है इस फिल्म को फिल्माया गया था। इन जैसे लोकेशन पे मूवी को शूट किया गया था। मूल कथानक और यहाँ तक कि फिल्म के कुछ यानी कि दृश्यों को एडम और साथ ही सैंडल की विभिन्न फिल्मों जैसे कि रेन ओवर मी और बिल्ली मेडिसन और बिग डैडी से जो हटा लिया गया है। और उत्पादन के बारे में हम बातें कर दो, साथ ही सुधीर मिश्रा की फिल्म से यह साली जिंदगी 2011 में सी ने जो है दिल्ली के एक महत्वाकांक्षी गायक की भूमिका निभाई है फिल्म में, जो कि प्रसिद्ध और पैसे पाने के लिए मुंबई जाता है। और देसी बॉयज ने 7 नवंबर 2010 को फिल्मांकन शुरू किया गया था। मूवी की शूटिंग स्टार्टिंग की गई थी और मई 2011 में शूटिंग पूरी की गई थी। फिल्म में सोनम कपूर को मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाना था, लेकिन उन्होंने फिल्म को अस्वीकार कर दिया और अनुष्का शर्मा को फिर यानी कि पेशकश की गई थी और इसे अफवाह उड़ाई गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। और साथ ही आखिरकार दीपिका पादुकोण और चित्रंग गद्दा सिंह को इस फिल्म में लिया गया फीमेल लीड रोल के लिए, और इन दोनों को लीड रूप में इस फिल्म को में लिया गया है और फाइनल किया गया था। यह गरम मसाला मूवीज़ के बाद अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम का सहयोग का प्रतीक है, दूसरा सहयोग का प्रतीक है। और दीपिका पादुकोण को पहली बार जॉन इब्राहिम के साथ देखा गया था और इसमें जो है सी ने अपने पहले व्यावसायिक उद्यम में अक्षय कुमार के साथ जो है अभिनय की है इस मूवीज़ में। इस फिल्म को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक दृश्य के लिए अतिरिक्त सामग्री की कमी के बाद जो है फिल्म ने फिल्मांकन के लिए अतिरिक्त यानी लोगों की भर्ती के लिए वेबसाइट startnow.com का उपयोग किया गया था। पहला नाटकीय ट्रेलर 23 सितंबर 2011 को मौसम के साथ जारी किया गया था, जबकि दूसरा ट्रेलर 26 अक्टूबर 2011 को रावण के साथ जारी किया गया था। देसी बॉयज फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से केवल और साथ ही वयस्क प्रमाण पत्र मिला था। हालांकि निर्माताओं को
ए और साथवें प्रमाण पत्र की उम्मीद थी और यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 नवंबर 2011 को साथ ही थैंक्स गिविंग और हॉलीडे वीकेंड पर रिलीज किया गया था। मूवी रिलीज हुई और दो दिन बाद 25 नवंबर 2011 को भारत में रिलीज किया गया था। फिल्म को अच्छी रिव्यू रेटिंग मिला है, मूवी औसत से ज़्यादा की कमाई की है और अपने बजट को रिकवर किया है। फ्रेंड आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मूवी रिव्यू मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताया जाता है। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अब थोड़ा सा इसकी रिसेप्शन के ऊपर नज़र डालते हैं, इस फिल्म के गाने किस तरह से लिखे गए हैं और गाने इसके क्या पावर रखता है, जो कि बॉलीवुड के गाने आप लोग को पता है कि सारे गानों को रेटिंग दिए जाते हैं, तो इसके थोड़े से गाने के ऊपर हम ध्यान देते हैं और देखते हैं कि इस गाने को किस तरह से रिकॉर्डिंग किया गया था और इसके गाने को कितना रिव्यू रेटिंग मिला हुआ है। देसी बॉयज के संगीत एल्बम को सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 4 सितारे की रेटिंग दी है और देसी बॉयज का संगीत जो है अभी छाओ से अधिक की गई है और एल्बम को वर्ष के बेहतर यानी कि मसाला एल्बमों में एक के रूप में वर्णित किया गया। और इसके अलावा उन्होंने सुभाष यानी होने ना दे, अल्लाह माफ़ करे, मेक सम और साथ ही ना इज फॉर द देसी बॉयज और झक मार के को ये गाने जो है यानी कि पसंदीदा पसंद के रूप में चुना गया था। ग्लैम सॉन्ग ने संगीत को 5 में से 4 स्टार रेटिंग दिए हैं और उन्होंने कहा है कि देसी बॉयज़ के लिए मेक उनके साथ जो है सनम नाइज में प्रीतम ने एक अच्छा और साथ ही टेम्पो बनाया है और पूरी तरह से नई नस्ल और साथ ही शैली के साथ जो है झक मार के और तू मेरा हीरो के साथ जो है मस्ती का वादा दिया गया है। साथ ही सुबह होने न दे के अधिकार जो है YouTube पर जारी किए गए थे और वीडियो को मई 2020 तक YouTube पर 130 मिलियन से अधिक बार देखा गया और ये गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हासिल किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज़ फिल्म को और इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी के स्टार के दीपिका पादुकोण मैम के बारे में। फ्रेंड, आप लोग को पता है मैं जिस फिल्म को रिव्यू करता हूँ उस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को ज़रूर बताता हूँ। अब बात करेंगे दीपिका पादुकोण मैम के बारे में, बतलाएंगे इनका जन्म कब हुआ है और इन्होंने अब तक बॉलीवुड में कितनी फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। जन्म के बारे में बात करते हो 5 जनवरी 1986 में इनका जन्म हुआ था और अब तक ये जो है कई सारे बॉलीवुड में नजर आ चुकी हैं। सबसे पहले इन्होंने ओम शांति ओम फिल्म में डेब्यू किया था शाहरुख खान के साथ और अब जो है बॉलीवुड में कई सारे फिल्मों में काम कर चुकी है। और इनके विवाह के बारे में बात कर दो, रणबीर सिंह से इनका शादी हुआ। इस वीडियो में हम आप लोगों को इनसे जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज़ फिल्म को और आप देख रहे हैं एक ही मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का जन्म और साथ ही उनके साथ जो है कोपेनहेगन में हुआ था और उनका पालन पोषण बेंगलोर में हुआ था। एक किशोरी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेला लेकिन फैशन मॉडल बनने के लिए खेल में अपना करियर खो दिया। उन्होंने जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने 2006 में कन्नौट फिल्म साथी ऐश्वर्या के शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय की शुरुआत कर दी। अब दीपिका पादुकोण ने तब जो है शाहरुख खान के साथ अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज मूवी रोमांस ओम शांति ओम फिल्म में अभिनय किया। इस फिल्म को 2007 में दोहरी भूमिका में निभाई गई थी जिसने जो है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीती थी। दीपिका पादुकोण को रोमांस लव आजकल फिल्म 2009 में देखा गया। उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली थी लेकिन इसके बाद जो है एक संक्षिप्त यानी कि झटका इनको लगा था। रोमांटिक कॉमेडी मूवी कॉकटेल फिल्म 2012 ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों ही फिल्मों में अभिनय किया जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। डकैती कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म 2014 में रिलीज किया गया था। संजय में अभिनीत भूमिकाओं के साथ और अधिक यानी कि सफलता प्राप्त की थी लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा बाजीराव मस्तानी में 2015 में अभिनय की थी और पद्मावत फिल्म 2018 में रिलीज हुआ था और हॉलीवुड एक्शन फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में इन्होंने अभिनय किया जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। उन्हें साली के दुखद और रोमांस गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म 2013 में जूलियट पर आधारित एक जो है किरदार निभाने और कॉमेडी ड्रामा पिक्कू फिल्म 2015 में एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में इनको देखा गया था।
और आलोचकों की प्रशंसा मिली थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। उन्होंने 2018 में अपनी खुद की कंपनी का प्रोडक्शन बनाई थी, जिसके तहत जो है उन्होंने छपाक फिल्म बनाया था और 2020 का निर्माण किया गया था, जिसमें जो है उन्होंने एक यानी कि एसिड अटैक और साथ ही सर्वाइवर के रूप में भी अभिनय किया था। दीपिका पादुकोण को लिव लव ऑफ द फाउंडेशन के उनके संस्थापक है, जो कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जो है जागरूकता पैदा करता है और नारीवाद और अवसाद जैसे मुद्दों के बारे में मुखर व जो है स्टेज शो में भी भाग लेती है और एक एक अखबार के लिए कलम जो है लिखती है। महिलाओं के लिए कपड़ों की अपनी लाइन तैयार की है और ब्रांडों और साथ ही उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी बन चुकी रही है और दीपिका पादुकोण ने अपने सह कलाकार रणबीर सिंह से शादी की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी रोमांटिक फ्लर्ट को बतला रहे हैं और अभी हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज़ फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब AK मूवी फैक्ट चैनल और इस चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित धवन ने और इस फिल्म की कहानी भी रोहित धवन सर ने ही लिखी है। और इस वीडियो में हम अभी बातें करें दीपिका पादुकोण मैम के बारे में और इनसे जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम रिव्यू करके बता रहे हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर आप दीपिका पादुकोण मैम के फैन हैं, इनके मूवीज़ आप देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है AK मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ था। कोपेनहेग में इनका जन्म हुआ था। एक यानी कि सर्वस्त ब्राह्म परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे और उनकी मां उज्जल एक यानी कि ट्रेवल एजेंट रही थी। उनकी छोटी बहन अनिशा एक यानी कि गोल्फ खिलाड़ी है और उनके दादा रमेश मैसूर जो है बैडमिंटन और साथ ही एसोसिएशन के सचिव थे। जब दीपिका पादुकोण 1 वर्ष की थी तब परिवार जो है इनकी बैंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गया था। उन्होंने बैंगलोर के साथ ही सोफिया हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और माउंट और साथ ही कार्मेल कॉलेज में अपनी पूर्व विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली थी। बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और साथ ही भुक्त विश्वविद्यालय में जो है यानी कि समाज शास्त्र में कला स्नातक की डिग्री के लिए जो है इनकी दाखिला इन्होंने लिया था। उसके बाद मॉडलिंग करियर के साथ जो है शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण जो है वापस ले लिया गया था। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि वह एक यानी कि बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से वह जो है अजीब थी और उनके कई और दोस्त नहीं थे और उसके जीवन का फोक्स यानी कि बैडमिंटन खिलाड़ी बनना था, जिसे उसने जो है छोटी उम्र से ही प्रतिस्पर्धा का रूप खेला था। और 2012 के एक साक्षात्कार में अपनी यानी कि दिनचर्या के बारे में बताते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा है कि मैं जो है सुबह 5 बजे उठती हूँ और साथ ही शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती, स्कूल जाती, फिर से जो है बैडमिंटन खेलने जाती और अपने यानी कि होमवर्क पूरा कर लेती और सो जाती थी। अब दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेला और खेल उनके यानी कि कुछ राज्य स्तरीय और साथ ही टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेले थे। और अपनी शिक्षा और साथ ही खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल और साथ ही मॉडल के रूप में भी काम किया और पहली बार 8 साल की उम्र में कुछ विज्ञापन और साथ ही अभियानों में दिखाई दी और साथ ही 10वीं कक्षा में उसने जो है फोकस बदला और एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। उसने बाद में समझाया कि मुझे एहसास हुआ कि मैं जो है खेल केवल इसलिए खेल रही थी क्योंकि यह परिवार में चलता था और इसलिए मैंने जो है अपने पिता से पूछा कि क्या मैं इस खेल को छोड़ सकती हूँ और वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए थे। 2004 में उन्होंने प्रसाद विदापा के साथ जो है संरक्षण में एक मॉडल के रूप में पुरनकालिक करियर शुरू किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं बॉलीवुड की फिल्म देसी बॉयज को और इस फिल्म से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और अभी हम बातें कर इस फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मैम के रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों, इन्होंने इस फिल्म में अभिनय की है और अगर आप लोग दीपिका पादुकोण मैम के फैन हैं, इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने करियर के शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने रिलीज
रिलीज साबुन से की थी एक टेलीविज़न विज्ञापन के साथ जो है पहला उनके साथ जो है पहचान हासिल की और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की थी। 2005 में उन्होंने साथ जो है इनकी डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए लैक्मे फैशन वीक में जो है अपना साथी रन में डेब्यू किया था और किंग फिशर फैशन और साथ ही उनके साथ जो है अवार्ड्स में जो है मॉडल ऑफ द यानी कि ईयर का पुरस्कार जीता था। दीपिका पादुकोण की प्रसिद्धि तब बढ़ गई जब वह 2006 की साथी किंग फिशर और साथी कैलेंडर के लिए एक जो है अत्यधिक और साथी लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी। साथ ही डिजाइनर और साथी वेंडेल राडिक्स ने जो है दीपी उनके साथ जो है टिप्पणी की और ऐश्वर्या राय के बाद से ही हमारे पास इतनी सुंदर और साथी ताज़ा लड़की नहीं थी और साथी जो है राडिक्स ने उसे जो है एक जो यानी कि गंजन ज्वेलरी क्लास में जो है देखा जो कि वह पढ़ा रहा था और साथ ही मैटिक्स एजेंसी के साथ जो है उनके साथ साइन ऑफ किया गया था। दीपिका पादुकोण 21 साल की उम्र में उनके साथ जो है मुंबई आ गई थी और अपनी यानी कि मौसी के घर में रहने लगी थी। उसी वर्ष यानी कि हिमेश रेशमिया के गीत नाम है तेरा के लिए संगीत वीडियो में अभिनय करके उन्हें जो है व्यापक पहचान मिली थी। दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे थे। एक अभिनेता के रूप में खुद को जो है बहुत अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने इसके बजाय अनुपम खेर की फिल्म जो है यानी कि उनके साथ जो अकादमी में एक कोर्स के लिए दाखिला इन्होंने लिया था। कई मीडिया और साथ ही अटकलों के बाद निर्देशक फरहा खान जिन्होंने रेशमिया के संगीत वीडियो में उन्हें देखा था और उन्हें जो ओम शांति ओम के एक भूमिका के लिए लेने का फैसला किया था। फैशन डिजाइनर साथ ही वेंडेल और साथ ही रडिक्स भी भूमिका पाने में उनकी मदद करने का श्रेय लेते हैं। फरहा खान अपनी फिल्म में उनके साथ जो अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी और उनके साथ मलाइका अरोड़ा से संपर्क किया गया था और रॉडिक्स यानी कि जिनके लिए दीपिका पादुकोण उस समय लगभग 2 वर्षों से मॉडलिंग कर रही थी और उनके एक यानी कि करीबी दोस्त जो है अरोड़ा से उनकी सिफारिश की गई थी जिन्होंने 2007 में खान से जो है उनकी सिफारिश की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे देसी बॉयज फिल्म को। इस फिल्म में अक्षय कुमार जोहन अब्राहम दीपिका पादुकोण अभिनय की है और इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। फ्रेंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप लोग को ये फिल्म देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आप लोग को पता है अपने इस चैनल पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले 2006 में घोषणा की कि वह जो है ऐश्वर्या के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत करेंगी जो कि इंद्रजीत लंकेश द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म है और रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है इनकी मनम दुड्डू की रीमेक थी और उन्हें जो है अभिनेता इंद्रा के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी और Reddit.com के RG और छाती जो है विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण को स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की थी लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की ज़रूरत है। 2006 के अंत तक जो है फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को स्थगित कर दिया गया था और खान ने इसके जो है बजाय दीपिका पादुकोण को कास्ट किया था। मेलोड्रामा और ओम शांति ओम फिल्म 2007 में रिलीज हुआ था। हिंदी फिल्म उद्योग की साथी पृष्ठभूमि के खिलाफ जो है सेठ फिल्म 1970 के दशक में एक संघर्ष और साथी अभिनेता की कहानी बताती है जो कि उसी महिला की हत्या के बाद जो है जल्द ही मर जाता है जिसे वह प्यार करता था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है। शाहरुख खान ने नायक के रूप में अभिनय किया था और दीपिका पादुकोण ने 1970 के दशक की एक प्रमुख अभिनेत्री और बाद में एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की दोहरी भूमिका में अभिनय किया गया था। अपनी भूमिका की तैयारी में दीपिका पादुकोण ने हेलन और हेमा मालिनी की अभिनेत्रियों के शारीरिक भाषा का अध्ययन करने के लिए कई फिल्में देखी थी।
उनकी आवाज़ को आवाज़ और साथ ही कलाकार मोना घोष शेट्टी ने डब किया था और फिल्म एक गीत और साथ ही धूम तनाना के लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आकर्षित किया और साथ ही डोर लिंग और साथ ही किंडर सिले के अनुसार जो है हस्त और साथ ही मुद्रा हाथ के इशारों का उपयोग करके साथ ही मिस मेरीज एंड और साथ ही ऑडियंस ओम शांति ओम एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और 1.49 बिलियन से अधिक की कमाई किया जो US पैसा में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन के व्यावसायिक राजस्व के साथ जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी। मनोरंजन और साथ ही पोर्टल बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने कहा है कि उनके पास एक शीर्षक स्टार बनने के लिए सब कुछ है और साथ ही उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकित के लिए पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि ओम शांति ओम की सफलता उनके लिए एक सफलता साबित हुई थी और दीपिका पादुकोण के साथ ही जो है कुर्सी पर बैठी हुई और साथ ही कैमरे के तरफ जो है मुस्कुरा रही है 2010 में साथ ही यानी कि लफंगे परिंदे के प्रचार कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण ने अगली बार यशराज की फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी बचना ए हसीनो फिल्म में काम की जिसे 2008 में एक स्टार और साथ ही रणबीर कपूर की प्रेम रुचियों में से एक की भूमिका निभाई। फिल्म एक वित्तीय सफलता मूवी थी लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने लिखा है कि दीपिका पादुकोण का प्रदर्शन निराशाजनक था, वह पुतले की तरह है और आग और जिंग की पूरी तरह से कमी है। 2009 की उनकी पहली रिलीज मूवी निखिल आडवाणी के साथ थी। कुंगफू कॉमेडी चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार के साथ आई थी जिसमें जो है उन्होंने भारतीय चीनी और साथ ही जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाई। वार्नर ब्रदर्स द्वारा निर्मित यह एक भारतीय फिल्म थी एक भारतीय फिल्म को दी गई थी और सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रिलीज में से एक थी। दीपिका पादुकोण ने साथ ही जुजुत्सु सीखा और साथ ही अपने स्टंट खुद किए थे और प्रचार के बावजूद जो है चांदनी चौक टू चाइना एक वित्तीय विफलता मूवी थी और इसकी यानी कि भरपाई करने में ये मूवी काफी विफल रहा था। इसी तरह चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी और ये मूवी फ्लॉप साबित हुआ था। अक्षय कुमार की ये फिल्म काफी ज्यादा फ्लॉप रहा था। दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद तो किए थे, मूवी में कॉमेडी भी थी लेकिन यह फिल्म व्यावसायिक सफलता साबित नहीं हुई। पता नहीं क्यों, इसका रीजन क्या है अभी तक मुझे नहीं पता चला है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं देसी बॉयज फिल्म को और मूवी से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं एके मूवी फैक्ट यूरोप चैनल। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस फिल्म के स्टंट प्रचार के बावजूद चांदनी चौक टू चाइना मूवी एक वित्तीय साथ ही जो है विफलता मूवी थी और अपने 800 मिलियन बजट को यानी कि यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 11 मिलियन के बजट की भरपाई करने में विफल रही थी और बिल्लू नाटक में एक जो है यानी कि आइटम नंबर लव मेरा हिट हिट यानी कि उनके साथ जो है नामक गीत के लिए के बाद जो है वह लेखक निर्देशक यानी कि इम्तियाज अली के रोमांटिक ड्रामा लव आज कल में जो है उनके साथ जो है सैफ अली खान के साथ दिखाई दी। फिल्म ने युवाओं के बीच जो है रिश्तों के बदले में साथ ही मूल्य का दस्तावेजीकरण किया था और दीपिका पादुकोण ने मीरा पंडित की भूमिका निभाई थी जो कि एक मजबूत करियर साथ ही महिला थी। दुनिया भर में मूवी 1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ जो है लव आजकल मूवी 2009 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनिरुद्ध गुहा ने कहा है कि दीपिका पादुकोण ने अब तक के अपने 4 प्रदर्शन में से सर्वश्रेष्ठ पदार्पण किए हैं और वह फिल्म फेयर पुरस्कारों में दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया है। 2010 में दीपिका पादुकोण की 5 फिल्में रिलीज हुई थी। उनकी पहली भूमिका मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी जो है कार्तिक और साथ ही कलिंगा कार्तिक में थी जहां दीपिका पादुकोण को एक यानी कि उदास और साथ ही वीरत्य फरहान अख्तर द्वारा अभिनीत की गई और साथ ही उनके साथ जो सहायक प्रेमिका के रूप में लिया गया था। वैरायटी के डेरेक एली ने इस फिल्म को पतली साजिश के रूप में पाया था लेकिन दीपिका पादुकोण की सरल और साथ ही सरलता को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना था और व्यावसायिक रूप से फिल्म ने खराब प्रदर्शन किया था और उस वर्ष उनकी सबसे अधिक कमाई करने वालों में से एक था। लगभग यानी कि लाभदायक फिल्म जो है साजिद खान की 1.15 बिलियन से अधिक की कमाई के यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 15 मिलियन सकल कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी जिसमें जो है उन्होंने अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत और साथ ही उनके साथ जो है कलाकारों की टुकड़ी के साथ
साथ जो है अभिनय किया था। राजा सेन ने फिल्म को खराब अभिनय का त्यौहार के रूप में वर्णित किया था और दीपिका पादुकोण के खराब प्रदर्शन के लिए उनके प्लास्टिक के भाव को जो है जिम्मेदार ठहराया था। प्रदीप सरकार ने नाटक और साथी लफंगे परिंदे फिल्म 2010 में दीपिका पादुकोण ने एक अंधी लड़की के रूप में एक स्केटिंग प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। तैयारी में उन्होंने नेत्रहीन लोगों की बातचीत और साथ ही आँखों पर जो है पट्टी बांधकर पूर्वाभ्यास के दृश्यों का उनके साथ जो है अवलोकन किया था। द हिंदू के लिए लेखन और साथ ही सुधीश कामत काफी साथ ही जो है इनके स्वयं से यानी कि विशेष रूप से प्रभावित हुए थे और जिसके साथ जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और उनकी अगली भूमिका रोमांटिक कॉमेडी यानी कि ब्रेक के बाद में इमरान खान के साथ थी और साथ ही CNIBN के राजीव मंसद ने फिल्म को इसकी प्रमुख महिला के प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर देखने योग्य पाया था। और करो और साथ ही मरो किताब पर जो है आधारित यह फिल्म थी 1930 की दशक की और साथ ही चंड गांव शस्त्र गार्ड छापे के एक यानी कि पुरान कथम मूवी थी। और बच्चन ने क्रांतिकारी और नेता सूर्य सेन के रूप में अभिनय किया गया था और दीपिका पादुकोण ने उनके विश्वास पत्र कल्पना दत्त की भूमिका निभाई थी। दीपिका पादुकोण ने कहा कि वह अपनी भूमिका पर जो शोध करने में असमर्थ थी क्योंकि दत्ता के बारे में बहुत कम और साथ ही जानकारी थी और साथ ही गुवारिकर ने साथ ही निर्देशक पर निर्भर थे और इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं अक्षय कुमार की फिल्म देसी बॉयज को और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी हम बातें करें दीपिका पादुकोण मैम की रियल लाइफ को और इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दीपिका पादुकोण ने 2011 की शुरुआत में रोहन सिप्पी की दम मारो दम फिल्म में एक आइटम नंबर 1 के साथ की थी। उन्होंने इसे जो है किसी भी अभिनेत्री द्वारा किया गया सबसे बेहुदा गीत कहा गया था और गाने की यौन और साथ ही सामग्री ने दीवार को आकर्षित किया था जिसमें जो है अभद्रदाता के लिए एक यानी कि अदालती मामला भी शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म प्रकाश झा की सामाजिक राजनीतिक नाटक यानी कि आठ छन मूवी थी जो भारत में जाति और साथ ही आधारित यानी कि उनके साथ आठ छन से संबंधित मूवी थी। फिल्म के लिए व्यापार और साथ ही पत्रकारों को बहुत उम्मीद थी जो कि अंततः बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया काफ़ी हद तक जो है नकारात्मक थी। हालांकि प्रतिम डी गुप्ता ने दीपिका पादुकोण को इसके बारे में सबसे ताज़ा करने और बीच यानी कि बताया था और उसी वर्ष उनकी अंतिम उपस्थिति रोहित धवन की कॉमेडी ड्रामा देसी बॉयज फिल्म में अक्षय कुमार जॉन अब्राहम और चिंतन गद्दा सिंह के साथ थी। एक ऐसी भूमिका जो कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में विफल रही थी और खराब प्रतिक्रिया मिलने से फिल्म श्रृंखला ने आलोचकों की यह जो है यानी कि समझने के लिए जो है प्रेरित किया गया था। दीपिका पादुकोण ने खोया और उसकी चमक हासिल की थी एक अग्रहिणी और महिला के रूप में स्थापित किया गया था इस फिल्म में। और दीपिका पादुकोण ने कहा है कि 2012 में होमी और साथ ही अधजानिया धारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल फिल्म में उनकी भूमिका ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। Rajiv.com के राजा सेन ने कहा है कि वह सफलतापूर्वक एक यानी कि आश्चर्यजनक लड़की को अभिनीत भी की थी और उनके साथ जो है साबित हुई थी और वेनिनिका दीपिका पादुकोण धारा जो है निभाई गई और साथ ही बगल में एक विनम्र लड़की मीरा और साथ ही डायना पिंटी धारा अभिनीत पटकथा के वर्णन के दौरान जो है निर्माता साथ ही दिनेश बिजन ने दीपिका पादुकोण को यह चुनने की पेशकश की थी और किस महिला का किरदार निभाना है। उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने साथी शिक्षित का विस्तार करने के लिए साथी जो यानी कि वेरोनिका को चुनने का फैसला किया था। भूमिका को चित्रित करना उनके लिए एक यानी कि रचनात्मकता और साथ ही शारीरिक चुनौती थी और अपने चरित्र की साथी शरीर की यानी कि आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जो यानी कि व्यायाम किया था और एक यानी कि कठोर आहार का पालन इन्होंने किया था।
आलोचकों को फिल्म के बारे में उनकी राय में साथ ही विभाजित किया गया था, लेकिन विशेष रूप से दीपिका पादुकोण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी और फिल्म फेयर के साथ ही जो है देवेश शर्मा ने उन्हें फिल्म की आत्मा के रूप में श्रेय दिया था और लिखा कि वह जो हर दृश्य में यानी कि उत्कृष्ट दिखती है, चाहे एक भौतिक लड़की के रूप में हो जो कि आनंद लेती है और सेक्स यानी कि ड्रग्स और रॉक एंड रोल या फिर एड्स जरा के शिकार लड़की के रूप में खुद को जो है नष्ट करने के लिए हो। कॉकटेल ने फिल्म फेयर स्क्रीन और साथ ही आईफा सहित जो है कई यानी कि पुरस्कार समारोह में दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन दिलाया गया था और फिल्म की बॉक्स ऑफिस पे सफल साबित की गई थी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं देसी बॉयज फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज मूवी को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। 2013 में दीपिका पादुकोण ने वर्ष की 4 सबसे अधिक कमाई करने वाली प्रस्तुतियों में अभिनय करके खुद को जो है हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अब्बास मस्तान की रेस 2 में जो है यानी कि चौथी बार, साथ ही सैफ अली खान के साथ जो है सहयोग किया था जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी, जो रेस मूवी 2008 की अगली कड़ी मूवी के रूप में काम करती थी। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली थी लेकिन दुनिया भर में एक सफल कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 162 बिलियन से अधिक की कमाई किया था, यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। अयान मुखर्जी की रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी फिल्म दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म रिलीज थी और साथ ही रणबीर कपूर के साथ सह अभिनीत उन्होंने नैना तलवार के रूप में लिया गया था जो एक यानी कि शर्मिली और साथ ही दीवार फ्लावर थी और जिसने जो है उन और साथ ही ग्लैमर्स पात्रों के एक प्रस्थान को चिन्हित किया था जिन्हें जो है चित्रित करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी और राजा सेन ने सोचा कि फिल्म में एक अच्छी कहानी की कमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण अपने भीतर अभिनय करती है और साथ ही अतिशा युक्ति से बचती है और साथ ही परी नाम जो है यानी कि प्रभावशाली है या उनका अब तक का सबसे आत्म उनके साथ जो है जागरूकता प्रदर्शन करता है और अपने पूर्वा प्रेमी के साथ जो है दीपिका पादुकोण की जोड़ी की उम्मीद थी और फिल्म एक यानी कि बड़ी व्यावसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरी थी। उनकी अगली मूवी उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ थी जो एक तमिल लड़की के रूप में अपने पिता एक स्थानीय डॉन ने जो है यानी कि डॉन से भाग रही थी लेकिन जिसके लिए उसे जो है एक तमिल उच्चारण और अपनाने के लिए आवश्यकता थी। उनके साथ ही जो उच्चारण पर जो है आलोचनात्मक राय जो है मिश्रित थी लेकिन उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली थी। फिल्म समीक्षा और साथ ही उनके साथ जो है असीम जो है यानी कि छवाड़ ने लिखा है कि फिल्म में दीपिका पादुकोण ने साथ ही हरामनीय है और सुंदर यानी कि मुस्कुराते हुए और साथ ही अक्सर जो है शाहरुख खान की तुलना में बहुत अधिक यानी कि चंचल और साथ ही मजाक किया थी। इस फिल्म में चेन्नई एक्सप्रेस ने सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरने के लिए 3.95 बिलियन से अधिक की कमाई की जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 52 मिलियन से अधिक डॉलर में इस फिल्म ने कमाई किए थे। दीपिका पादुकोण ने अगली बार गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म में रणबीर सिंह के साथ अभिनय किया था जो निर्देशक संजय लीला भंसाली से रोमियो और जूलियट की शेक्सपियर्स और साथ ही त्रासदी का रूपांतरण मूवी है। उनकी भूमिका जूलियट के चरित्र पर आधारित थी। एक गुजराती लड़की लीला थी जो कि शुरुआत में रामलीला शीर्षक से फिल्म का शीर्षक बदल दिया गया था जब भंसाली सर दीपिका पादुकोण रणबीर सिंह के खिलाफ हिंदू साथ ही समुदाय की आर्थिक समुदाय की धार्मिक और साथ ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक शीर्षक के तहत जो है सेक्स और हिंसा का प्रदर्शन करने के लिए एक अदालती मामला दर्ज किया गया था जो राम के जीवन को संदर्भित करता है और गोलयुग की रासलीला रामलीला भारत में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के बीच रिलीज हुई थी लेकिन आम तौर पर इसे आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने दीपिका पादुकोण के साथ लुभावनी के रूप में वर्णित किया था और डेक्कन क्रॉनिकल के लिए लेखन और साथ ही खालिद मोहम्मद ने निष्कर्ष निकाला कि यह दीपिका पादुकोण है जिनसे फिल्म जो है यानी कि संबंधित है और ड्रॉप डेड उनके साथ एक गर्जियन लग रही है और एक दीवार के साथ जो है अपने हिस्से में जा रही है। वह जो है प्रमुख राम और साथ ही लीला की संपत्ति चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और साथ ही गोलियों की
रासलीला रामलीला में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कई पुरस्कार जीते थे और जिसमें जो है दोनों फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं देसी बॉयज फिल्म को और अभी आप देख रहे हैं एके मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी मूवी अपलोड नहीं किया जाता। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं, मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, अगर आप लोग दीपिका पादुकोण मैम के फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, इन्होंने अब तक जो है कितनी फिल्मों में अभिनय की है। 2014 में पादुकोण ने राजनीतिक के साथ जो है रजनीकांत के साथ जो है तमिल फिल्म में काम की। कोचा दैया मूवी में अभिनय किया था, जो एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी जिसे जो है मोशन कैप्चर टेक्निक का उपयोग करके जो है शूट किया गया था। इसमें 2 दिन के काम के लिए 30 मिलियन लगे थे, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4 लाख का भुगतान किया गया था 2 दिनों में। और होमी और साथी अजानिया के प्रशांसनीय वैंग और साथी फाइंडिंग फैनी में दीपिका पादुकोण ने एक युवा और साथी विधवा की भूमिका निभाई, जो कि फैनी नाम की एक महिला की तलाश में अपने बेकार दोस्तों और साथी अर्जुन कपूर और नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कपाड़िया और पंकज कपूर द्वारा अभिनीत के साथ जो है एक यान की सड़क यात्रा करती है। फिल्म को 19वें और साथ ही बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया था। द हिंदू के आलोचक अनुज कुमार ने लिखा है कि दीपिका पादुकोण ने सफलतापूर्वक बॉलीवुड की साथी जो है इनकी बारीकियाँ उतार दी थी और आप जो है उनके प्रदर्शन में साथी जो है इनकी समान से स्वतंत्र को महसूस कर सकते हैं। उसी वर्ष बाद में उन्होंने फराह खान की हैप्पी न्यूर मूवी के जो है इनकी नबी निकर के जो है तीसरी बार जो है शाहरुख खान के साथ अभिनय किया था और उसने जो है एक बार डांसर की भूमिका निभाई थी, जो कि एक जो है नृत्य प्रतियोगिता के लिए कम और ज्यादा उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में साथी जो है इनके समूह को प्रशिक्षित करती है। मिंट की संयुक्ता शर्मा ने अपनी जो है भूमिका को न्यूनतम और साथी महत्व के रूप में पाया, जिसके लिए उन्हें जो है केवल और साथी हंसने और साथी दुखी होने के लिए एक जो है सुंदर चीज की और साथी आवश्यकता थी। लेकिन यह जो है फिल्म उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई, जिसने जो है 3.4 बिलियन से अधिक की कमाई किया, यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 45 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। दुनिया भर में मूवी एक बेहतरीन सफलता साबित हुई थी। 2015 में बाजीराव मस्तानी फिल्म के साथ कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण साथी होमी अदजानिया के नरीवाद पर जो है ऑनलाइन वीडियो मई और साथी माई जो है चाइम माई चाइस नाम के एक यान की उपस्थिति के बाद दीपिका पादुकोण ने सुजीत सरकार की कॉमेडी ड्रामा पिक्कू फिल्म में अभिनय किया था। मूवी को 2015 में एक प्रमुख यानी कि बंगाली वस्तुकार की भूमिका निभाई, जो कि अपने साथी हाइपोक्रानिड और पिता और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत की औषधि देखभाल कर रही है। हुआ एक यानी कि यथार्थवादी पिता पुत्री बंधन के चित्रण के लिए तैयार थी, जिसे वह हिंदी सिनेमा में दुर्लभ मानती थी। फिल्म के लिए समीक्षा और साथ ही सकारात्मक थी और साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड की साथ ही यानी कि तनमयंद नंदा ने फिल्म के साथ ही नारीवाद की ऐश्वर की प्रशंसा की थी और लिखा कि दीपिका पादुकोण साबित करती है कि जब वह जो सुंदर दिखने और साथ ही पार्टियों में पागल नृत्य लड़की बनने के अलावा कुछ यानी और भी करने के लिए सक्षम है तो वह क्या कर सकती है। NDTV के सैबल चटर्जी ने कहा कि वह पीकू मूवी को एक यानी कि साथी जो है कि सैमित स्टार्टन के साथ जो है उनके साथ जो है पकड़ती है। दुनिया भर में 1.40 बिलियन से अधिक की कमाई की और यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 19 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ जो है पीकू बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और दीपिका पादुकोण को कई पुरस्कार मिले थे।
जिसमें फिल्म फेयर और स्क्रीन पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको मिला था। बाद में 2015 में दीपिका पादुकोण ने एक व्यवसायी की भूमिका निभाई थी जो कि इम्तियाज अली के रोमांटिक ड्रामा तमाशा में रणबीर कपूर के साथ चरित्र को उनके संघर्ष को दूर करने में मदद करता है। खराब बेटिया और साथ ही रिटर्न के बावजूद Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने दीपिका पादुकोण के प्रदर्शन को उस वर्ष एक अभिनेत्री द्वारा साथ ही सर्वश्रेष्ठ के रूप में तमिल किया गया था नामित किया गया था और लिखते हुए कि वह जो है तमाशा में इतनी यानी कि शक्तिशाली है, यह लगभग ऐसा है जैसे आप जो है स्क्रीन पर उनके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। 2015 की अपनी अंतिम रिलीज मूवी में दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली और साथ ही रणबीर सिंह के साथ जो है बाजीराव मस्तानी फिल्म में फिर से जो है काम किया जो एक दुखद और साथ ही विवाहेतर संबंध के बारे में एक ऐतिहासिक नाटक मूवी है। फ्रेंड इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे दीपिका पादुकोण की फिल्म देसी बॉयज को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं देसी बॉयज मूवी को जिसे 2011 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को अच्छे समीक्षा मिले थे जैसे कि आप स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। 2015 की अपनी अंतिम रिलीज मूवी दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर सिंह के साथ बाजीराव मस्तानी फिल्म में फिर से काम किया था जो एक दुखद विवाहेतर संबंध के बारे में एक ऐतिहासिक नाटक मूवी थी। रणबीर सिंह को कास्ट किया गया था फिल्म में साथ ही मराठा जनरल बाजीराव प्रथम के रूप में जबकि प्रियंका चोपड़ा और साथ ही दीपिका पादुकोण ने क्रमश उनकी पहली और दूसरी पत्नी के रूप में चित्रित की गई थी। योद्धा राजकुमारी मस्तानी की भूमिका निभाने के लिए दीपिका पादुकोण ने तलवार बाजी और साथ ही घोड़सवारी और कला उनके साथ जो है कला री यपट्टा का मार्शल आर्ट सीखी थी। 3.5 मिलियन से अधिक की इस फिल्म ने कमाई किया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के राजस्व के साथ जो है बाजीराव मस्तानी वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी। अनुपमा चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण को साथ ही रोमांटिक पाया था लेकिन सुभाष के झा ने सोचा कि वह जो है फिल्म को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था और 61वें फिल्म फेयर पुरस्कार में साथ ही बाजीराव मस्तानी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया था। दीपिका पादुकोण को मिला उसी वर्ष में उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन। व्यावसायिक विस्तार 2017 के बारे में अब हम बात करते हैं। मौजूदा एक्शन फिल्म XXX रिटर्न ऑफ द जेंडर केज फिल्म 2017 में इन्होंने काम की जिसमें दीपिका पादुकोण ने बीन और साथ ही डीजल के साथ जो है यानी कि सिरेना अंगर सिरेना अनगर की मुख्य महिला भूमिका निभाने में जो हॉलीवुड में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया था। फिल्म का आलोचनात्मक और साथ ही स्वागत जो है उनके साथ जो है मिला जुला रहा था। दो साथी दिला डिफिया और साथी उनके साथ इनके तिरदाद और साथी दिला खासीन ने फिल्म को उल्लेखनीय रूप से जो है यानी कि थकाऊ माना था। CGI और साथी सर्वाधित और एक्शन दृश्यों का दोहराव इस फिल्म में किया गया था और करार दिया गया था और सोचा कि इसमें जो है दीपिका पादुकोण को प्रतिभा और साथ ही बर्बाद हो गई थी। इसके विपरीत द हॉलीवुड और साथ ही रिपोर्टर के उनके साथ जो है फ्रैंक स्कोर का मानना था कि उन्होंने व्यावसायिक रूप से चोरी फिल्म करने के लिए जो है इनकी डीजल को सफलतापूर्वक पछाड़ दिया था। फिल्म ने दुनिया भर में 345 मिलियन से अधिक की कमाई की थी जिसमें से अधिकांश जो है यानी कि चीनी बॉक्स ऑफिस से आया था। दीपिका पादुकोण ने 3 और साथ ही उनके साथ जो है इनकी इस अवार्ड में 3 और साथ ही नामांकन प्राप्त किए थे और इसके बाद जो है रोमांटिक ड्रामा रब्ता में एक आइटम नंबर 1 के साथ इन्होंने अभिनय की थी। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे देसी बॉयज फिल्म को मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम दीपिका पादुकोण मैम की रियल लाइफ को बता रहे हैं और इनकी मूवी देसी बॉयज को हम रिव्यू कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। 2018 में दीपिका पादुकोण ने एक राजपूत रानी की पद्मावत मूवी को चित्रित किया था जो कि पद्मावत फिल्म अवधि ने पद्मावत मूवी की अवधि के नाटक में मुस्लिम और साथ ही आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी से खुद को जो है बचाने के लिए जौहर और साथ ही आत्मा
जौहर और साथ ही आत्मा दाह करती है। इसने जो है भंसाली और साथ ही रणबीर सिंह के साथ उनके तीसरे सहयोग को चिन्हित किया था। उन्होंने अपने चरित्र के साथ जो है यानी कि सह अपने साहस को और साथ ही मौन के माध्यम से व्यक्त करने की आवश्यकता से चुनौती मिले थे और इसे जो है अपने करियर की सबसे भावनात्मक रूप से थकाऊ भूमिका माना जाता है। उन्होंने उस युग पर जो है यानी कि इतिहास की किताबें पढ़ी थी और पद्मावत के साथ ही विभिन्न ऐतिहासिक जो है यानी कि चित्रणों पर शोध इन्होंने किया था। साथ ही दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने अनुमान लगाया था कि फिल्म पद्मावत मूवी और साथ ही खिलजी के बीच जो है एक रोमांटिक संपर्क को चित्रित करती है। उन्होंने साथ ही हिंसक रूप से विरोध किया था और दीपिका पादुकोण को और भंसाली का सिर यानी कि काटने का इनाम रखा गया था। साथ ही रिलीज में देरी के बाद कई साथ ही संशोधनों के बाद जो है फिल्म को प्रदर्शनी के लिए मंजूरी दे दी गई थी। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम और साथ ही वेटी वेटी कैट ने जौहर के साथ जो है यानी कि महिमंडम की फिल्म की आलोचना की थी, लेकिन दीपिका पादुकोण को रूढ़िवादी लेखन से कुछ यानी कि हटकर जो है करने का श्रेय दिया गया था। ये फिल्म 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया था। यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 27 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था। अनुमानित बजट के साथ जो है पद्मावत सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में से एक है और 5.45 बिलियन से अधिक की कमाई किया। यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 72 मिलियन की कमाई के साथ यह दीपिका पादुकोण के सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज मूवी है और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। साथ ही ग्रॉन्स सर्च उन्हें जो है फिल्मफेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन इनको मिला था। पद्मावत मूवी की सफलता के बाद दीपिका पादुकोण ने अपने घर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काम से कुछ महीने तक जो है उन्होंने छुट्टी ली थी। 2018 में उन्होंने का प्रोडक्शन नाम से अपनी खुद की कंपनी बनाई थी। उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर छपाक फिल्म था जिसे 2020 के साथ रिलीज किया गया था और 2020 के साथ आया जो कि मेघना और गुलजार का एक नाटक मूवी था जिसमें जो है उन्होंने एक एसिड अटैक और साथ ही सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर आधारित मूवी के रूप में अभिनय किया था। उन्होंने अपने चेहरे पर जो है यानी कि पत्री कृत्रिम और साथ ही मेकअप पहनकर जो है अत्यधिक जो है गर्मी में फिल्म करना कठिन पाया था और इसे जो है अपने औषधि करियर की सबसे शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका माना था। द इंडियन एक्सप्रेस की सुभ्रा गुप्ता ने उन्हें जो है न केवल और साथ ही उनके साथ जो है क्षतिग्रस्त और साथ ही त्वचा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक लपाता कान और साथ ही नथुने के साथ जो है बल्कि दर्द को और साथ ही क्रोध यानी कि इस्तीफे के मिश्रण को जो है प्रतिविधित करने और साथ ही अंत में किसी तरह के यानी कि उनके साथ जो है संकल्प पर पहुँचने का श्रेय दिया था। द न्यूयॉर्क टाइम के टीओ और साथ ही उनके साथ जो है बुकबी ने कहा कि दीपिका पादुकोण और साथ ही उनके साथ जो है जी यासु और साथ ही चौकस और शांत है लेकिन कभी भी यानी कि उदासीन नहीं है और इसने जो है व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। दोस्तों वीडियो में हम रिव्यू कर रहे देसी बॉयज फिल्म को जिसे 2011 में रिलीज किया गया था। इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं यह किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग देसी बॉयज फिल्म को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू करें देसी बॉयज फिल्म को, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आप तक जरूर बने रहिएगा। करता है इसकी आखिरी पुलिस भूमिका पंडियन मूवी 1992 में दिखाई गई थी जो एक सच्चाता में निर्देशक जो है मुर्गा दास ने कहा था कि फिल्म यानी कि मंदरु मुगम मूवी 1982 के साथ फिल्म के एक चरित्र जो है यानी कि एलेक्स पंडियन जैसे जो है यानी कि सख्त पुलिस वाले के बारे में मूवी है जहां पे फिल्म को रिलीज होने के बाद बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दरबार मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाता है।
दोस्तों चंद्रमुखी के साथ 2005 में और शिवाजी द बॉस फिल्म 2007 के बाद जो है नयनतारा को तीसरी बार रजनीकांत के साथ सहयोग करते हुए देखा गया। फिल्म में महिला प्रधान भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। बाद में एक कैमियो खेलने के बावजूद जो है पहले यह बताया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप बब्बर के साथ जो है दरबार फिल्म में प्रमुख प्रदीप पक्षी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि बाद के रिपोर्टर्स से पता चला था कि सुनील शेट्टी को मुख्य प्रदीप पक्षी के रूप में लिया गया था, जिसने तमिल सिनेमा में अपनी पूर्ण शुरुआत की थी। अन्य तमिल फिल्मों में प्रदीप पक्षी की भूमिका निभाने से पिछले जो है प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बावजूद शेट्टी ने प्रदीप पक्षी की भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही आपको बता दें मराकर की शूटिंग के दौरान जो है मुर्गा दास ने शेट्टी से संपर्क किया था। इसके लिए शेट्टी ने अपने बाल लंबे कर लिए थे, जहाँ पे मुर्गा दास शेट्टी के लंबे बालों के साथ कुछ जो है खास करना चाहते थे। शेट्टी ने मुर्गा दास को अपने मैन बन का रूप दिखाया था, जिसे जो है अंततः फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। और एक सचेताकार में शेट्टी ने खुलासा किया था कि कैसे दरबार तमिल सिनेमा में उनकी पहली भावपूर्ण भूमिका है, जहां पे योगी बाबू इसी फिल्म के माध्यम से पहली बार रजनीकांत के साथ अपना सहयोग करने जा रहे थे। 4 अप्रैल को रजनीकांत की विशेषता वाला एक जो है फोटो शूट चेन्नई के लोकप्रियता स्टूडियो में आयोजित किया गया था, जहाँ पे प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो है वेंकट राम के साथ और साथी निहारिका भासिन खान द्वारा जो है डिजाइन की गई थी, जो वेशभूषा और साथी अनाधिकारिक के रूप में इंटरनेट पर लीक कर दी गई थी। तस्वीरें में अभिनेता को एक पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2019 को मुंबई में शुरू हुई थी। रजनीकांत निवेदा थॉमस के साथ जो है योगी बाबू की कुछ जो है तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जहां पे 3 मई 2019 को एक जो है परिसर में कॉलेज के छात्रों के साथ जो है कि उनके साथ घर्षण की रिपोर्ट के बारे में, जहाँ पे फिल्म को फिल्माया जा रहा था फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है वहीं पे, जिसे बाद में फिर से शुरू किया गया था। और फिल्म का पहला शेड्यूल जो है 15 मई को पूरा किया गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 29 मई को फिर से शुरू किया गया था, 30 जून के भीतर ही पूरा किया गया था, जहाँ पे सुनील शेट्टी फिल्म के दूसरे शेड्यूल में शामिल हुए थे, जो 5 जून 2019 को सेट में उच्च सुरक्षा के बावजूद जो है शूटिंग स्थल से एक वीडियो के साथ जो है यानी कि अनौपचारिक रूप से इंटरनेट पर अपनी जगह बना ली थी। फिल्म निर्माताओं ने जून 2019 के अंत तक जो है समाप्त फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है इसी तरह की घटना की सूचना दी थी, जहाँ पे बहुत ही बड़ी यानी कि बारिश का हवाला देते हुए टीम ने स्थान को मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और ये बताया गया था कि फिल्म जो है अगस्त 2019 के अंत में पूरी हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि 2019 के अक्टूबर में फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग कर लिया गया था। और आपको बता दें मूवी को 2020 में रिलीज भी कर दिया गया, जहाँ पे फिल्म को रिलीज होने के बाद अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलता है, और मैं भी इस मूवी को यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे YouTube पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को YouTube पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नीचे कमेंट करके बता सकता हूं ये फिल्म यहां पे अपलोड होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही है मैं अपने चैनल पे सिर्फ मूवी की एक्सप्लेनिंग करता हूं और फिल्म से जुड़े रोमांटिक फैक्ट को ही यहां पे बतला पाता हूं, इसके वजह से मैं यहां पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। तो दोस्तों दरबार फिल्म 2020 की सुपरहिट मूवी है, जहाँ पे आपको रजनीकांत देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फिल्म के दूसरे शेड्यूल को पूरा करने के बाद फिल्म के निर्माता ने 10 जुलाई 2019 से शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए 10 दिनों का समय यहाँ पे लिया था और लंबा ब्रेक भी लिया था। तो अंतिम के शेड्यूल के लिए 10 दिनों का लंबा ब्रेक लिया था, जो 25 जुलाई को मुर्गा दास ने फिल्म के कुछ जो है चित्र साझा किए थे, जिसमें रजनीकांत के हाथ के तलवार वहाँ पे दिखलाए गए थे। और पहली तस्वीर में एक पुलिसकर्मी की वर्दी में धूल के बदल से गुजरते हुए उनके साथ देखा गया था, जहाँ पे दूसरी छवि में वह हल्के नीले रंग के सूट में उससे जो है यानी कि अधिक खुश दिखते हैं। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जो है 19 अगस्त 2019 को किया गया था, जयपुर में मूवी की अंतिम शूटिंग जो है की गई थी। उसके बाद कुछ एक्शन दृश्यों की शूटिंग भी किया गया था, जो अक्टूबर 2019 को निर्माता ने घोषणा किया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, जो 7 नवंबर 2019 को रजनीकांत ने चेन्नई में फिल्म के लिए डबिंग शुरू की और 2 दिनों के भीतर ही पूरी कर ली थी। फिल्म के साउंड और स्कोर जो है अनिरुद्ध रवि चंद्रन द्वारा रचित किया गया था, जो पेटा 2019 के बाद रजनीकांत के साथ जो है उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित करता है। और फिल्म के निर्देशक एआर मुर्गा दास के साथ कथित के साथ 2014 के बाद भी यानी कि
थलाईवर मूवी थीम नामक की फिल्म के लिए एक जो है वार थीम गीत तैयार किया गया था, जो आपको बता दें मोशन पोस्टर के साथ 7 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। फिल्म का पहला एकल चुम्मा किसी के साथ जो इनकी विवेक के बोल और इस पे जो है बाला सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था, जो 27 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। फिल्म का एल्बम 7 दिसंबर 2019 को जवाहरलाल नेहरू इंदौर के सांजो स्टेडियम चेन्नई में लॉन्च किया गया था। फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में और एक साथ जो है इनकी ऑनलाइन संगीत स्ट्रीमिंग के साथ जो है माध्यम से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया गया था, जहाँ पे मंच गाना उसी दिन रिलीज हुई थी। एल्बम के रिलीज होने के बाद फिल्म के साउंडट्रैक में जो है कर्णूला और शादी थिमिरू शीर्षक से एक जो है यानी कि अप्रकाशित छिपा हुआ गीत है। इसे 3 जो है इनकी ट्रांस वोमेन के साथ गायकों एन चंद्रमुखी, रचना और प्रिया मूर्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। और आपको बता दें फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर लाइव प्रदर्शन किया गया था, जहां पे गीत को एल्बम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि अनिरोध को और शादी अन्ना मलई 1992 की थीम गीत के धुन के साथ जो है इनके वाक्यांश के साथ गीत को रिलीज करना था, जो फिल्म के गाने के लिए अनिरोध ने अनुभवी संगीतकार देवा को धुन के ब्रॉस के साथ जो है इनकी सेक्शन का संचालन करने के लिए चुना था, जहां पे जनवरी 2020 के मध्य में गाने का एक जो है इनकी मेकिंग वीडियो जारी किया गया था, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम की समीक्षा करते हुए बिहाइंड बूट ने फिल्म को 5 में से 3 का स्टार रेटिंग दिए, जहाँ पे अनिरुद्ध हर जो है रजनी मोड के लिए दिलचस्प धुनों को पैक करना चाहते थे। आपको बता दें उम्मीद करते हैं कि दृश्य अनिंग के साथ जो है इनकी पंच के साथ उम्मीद करते हैं कि दृश्य पंच होंगे, जहाँ पे इंडिया गिलीज ने सामान के साथ जो है रेटिंग दी इस फिल्म के गाने को और कहा कि एल्बम जो आपको अंतिम के साथ जो है रूप से अपने पैर पर यानी कि थपथपाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको बता दें सिफी ने कहा साउंडट्रैक एल्बम जो है रजनीकांत की पिछली फिल्म पेटा की तुलना में काफ़ी जो है कि निराशाजनक फिल्म है, जहाँ पे क्योंकि यह जो प्रभावशाली गीतों के कारण है लेकिन यह यानी कि श्रोता की आत्मा को छूता है और उन्हें एक साथ गाने में सक्षम करता है, जो मूवी क्रो ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा अनिरुद्ध की धुनें जो है शायद ही यानी कि यादगार हो सकती है। यहाँ पे फिल्म के गाने को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों अब रिलीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मूवी के रिलीज करने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स मिले हैं, कौन से जगह से फिल्म ने कितनी बॉक्स ऑफिस पर कमाई किया है, ये जानना खास है फिल्म के लिए, क्योंकि दोस्तों रिव्यू में ये सारी बातें जो है ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है मैं अपने YouTube चैनल पे किसी मूवी को अपलोड क्यों नहीं करता हूँ, तो मैं बता दूँ आप लोग को यहाँ पे मैं किसी भी मूवी को अपलोड करके नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बतला सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के लिए फर्स्ट लुक रिलीज को घोषणा पर जो है फिल्म के निर्माताओं ने पोंगल एंड उत्सव के साथ जो है रिलीज को शेड्यूल करने की भी योजना दी थी, जहाँ पे फिल्म 11 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उनके साथ नवंबर 2019 में निर्माता ने 20 तारीख जो है इनकी अवसाद के साथ जो है समाप्त का लाभ पाने के लिए 9 जनवरी 2020 की नई रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी थी, क्योंकि दोस्तों उसी के साथ जो है पोंगल मूवी 15 जनवरी 2020 को पड़ता है और उसके बाद जो फिल्म ने दुनिया भर में 7000 स्क्रीन में शुरुआत की थी, जो पूरे भारत में 4000 स्क्रीन इस फिल्म को मिला था। 7 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय ने मलेशिया में फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके निर्माता अपने जो है वितरकों को 23 करोड़ के घाटे का भुगतान करने में विफल रहे थे। हालांकि बाद में लाइका प्रोडक्शन धारा 4.9 करोड़ की बैंक जो है इनकी गारंटी दिखाने के बाद दावों को रद्द कर दिया गया, जहां पे उनके साझे धीरज और साथी एंटरप्राइजेज ने कर्नाटक में फिल्म के वितरण जो है अधिकार खरीदे थे, जो फिल्म के उत्तर भारतीय नाट्य अधिकार जो है रिलायंस के साझे हैं कि रिलायंस एंटरटेनमेंट को बेचे गए थे और फिल्म को उत्तर भारतीय सर्किट में रिलीज किया गया था, जहां पे प्राइम वीडियो ने अमेरिकी अधिकार हासिल कर लिए और भारतीय रिलीज से एक दिन पहले 8 जनवरी को फिल्म को रिलीज किया। फिल्म का मोशन पोस्टर जो है 7 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। कमल हसन एंड सलमान खान के साथ जो है मोहनलाल और महेश बाबू ने फिल्म के पोस्टर यानी कि जारी किए थे और फिल्म का ट्रेलर जो है 16 दिसंबर को मुंबई में आयोजित एक जो है लॉन्च इवेंट में जारी किया गया था,
जो जिसमें रजनीकांत, एन सुनील शेट्टी और मुर्गा दास जो है मौजूद थे। फिल्म के प्रचार को और अधिक जो है विशिष्ट बनाने के लिए निर्माताओं ने और स्पाइस लाइन के साथ जो है एयरलाइन को अपनी जो है इनकी उड़ानों में दरबार मूवी के साथ जो है रजनी एन शाती पोशाक के साथ जो है लपेटा था, जहाँ पे फिल्म जो है दरबार से पुलिस की वर्दी में रजनीकांत की छवि वाले जो है विमान पर पहली बार जो है बाहरी ब्रांडिंग के साथ प्रदर्शित की गई थी, जो एयर एशिया इंडियन के साथ जो है फोर कवाली के साथ 2016 के बाद ये दूसरी बार है जब किसी यात्री जेट को किसी भारतीय फिल्म के विज्ञापन के लिए लपेटा गया था। बताया दोस्तों, द हिंदू से बात करते हुए लाइका प्रोडक्शन के सीईओ के साथ जो है एक जो है कॉन्डोन के बात हुआ था, जहां पे फिल्म दुनिया भर में 7000 स्क्रीन पर रिलीज होगी और हम इसे कुछ जो है द्वीपों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँच सके। और कॉन्डोन ने कहा था कि स्पाइस जेट के साथ जो है कैडबरी एन साथी मुका एन मुक माइसो के साथ जो है एयरटेल जैसे जो है लगभग 15 ब्रांडों ने फिल्म के साथ जो है करार दिया था और हम फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 70 से 80 मिलियन खर्च कर रहे हैं। इसी फिल्म के लिए बीपनम के साथ जो है यानी कि निवेशा तमिल सिनेमा में सबसे ज़्यादा यानी कि पसंद किया जाना फिल्म बन गया था। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों, अगर आप लोग दरबार फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम दरबार मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, दरबार फिल्म कौन सी है और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, दरबार फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था, इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों, फिल्म को 24 फरवरी 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पर Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे, जहाँ पे और अधिक जानने के लिए इसे लेख में एक जो है यानी कि विश्वकोश एंड प्रोविस्ट्री के लिए बहुत अधिक या बहुत लंबे उदाहरण किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा तो मिली, लेकिन समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर रोटन टमाटोज पर एक जो है 7 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 10 मीटर 6.4 की रेटिंग दिए गए थे और उन्होंने कहा है कि 57 की स्वीकृति रेटिंग की सूचना दी गई थी। वेबसाइट की आलोचनात्मक एन साथी सहमति में लिखा है कि दरबार एन सुपरस्टार रजनीकांत की हिट जो है निर्देशक AR मुर्गा दास के साथ पहली फिल्म हो सकती है जो, लेकिन ये एक जो है रजनी फिल्म बनी हुई है जो हर कदम पर एक और जो है केवल यानी कि थलाइवर के और साथी निरंतरण के साथ जो है मिथक के आगे झुक सकता है। बतला दोस्तों, बिहाइंड बूज ने लिखा है रजनीकांत के दरबार फिल्म में सुपरस्टार की शैली और साथी दरबियम के साथ जो है पूरी तरह से पदार्थ फिल्म है, जो 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दिए हैं। फिल्म समीक्षक जो है श्रीधर एन पिल्लई ने फर्स्ट पोस्ट के लिए एक लेख में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है कि दरबार का पहला भाग जो मुख्य रूप से रजनीकांत की शैली और साथी इस विगर के कारण जो है खुद को काफ़ी ज़्यादा सुखद करते हैं। NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा है दरबार को रजनीकांत के साथी यानी कि प्रशंसकों के लिए निष्पक्ष ये है कि इस फिल्म के बारे में चौकोर के साथ निशाना बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें ये जो है यानी कि मसाला सिनेमा को ऊर्जा का एक नया जो है शॉट देने के लिए कुछ नहीं करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन एम के साथ जो है सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा है दरबार मूवी एक्शन और ड्रामा मूवी का एक आकर्षक और व्यावसायिक जो है यानी कि कॉकटेल वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस की प्रधान संपादक जो शुभ्रा गुप्ता ने मूवी को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है कि दरबार एक रजनीकांत की फिल्म बनी हुई है जो हर कदम पर एक और केवल जो है कि थलाइवर के मिथन के आगे जो झुकती है। जो हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि सुपरस्टार बस इसी फिल्म को अपने जो है बूढ़े कंधों पर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। सिफी ने फिल्म के बारे में 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है मूवी के बारे में दरबार एक औसत जो है पुलिस एक्शन वाला एंटरटेनर फिल्म है जो थलाइवर मूवी के कट्टर एंड प्रशंसकों की भूख को संतुष्ट करने के लिए पैक किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्तिक कुमार ने लिखा है AR मुर्गा दास रजनीकांत की ताकत पर जो है खेलते हैं और आपको बता दें स्वयं के साथ जो है लेकिन इस फिल्म में बाकी सब कुछ AR के साथ जो है एक यानी कि अभावग्रस्त उपचार मिल जाती है। फिल्म कंपेनियन के बर्ड
फिल्म कंपेनियन के भरद्वाज रंगन ने कहा, फिल्म एक यानी कि नौ और साथी मेंस लैंड वाली मूवी है। यहाँ पे नाटक और साथी एक्शन न तो शक्तिशाली है और नहीं पर्याप्त करने वाला फिल्म है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और जिसमें कहा गया है कि एक यानी कि क्लिच के साथ और साथी यानी कि प्रेडिक्टेबल और साथी स्टोरी रिलीज के साजुए छोड़कर दरबार मूवी थलाइवर के प्रशंसकों के एक जो यानी कि रजनीकांत के एक प्रशंसक की फिल्म है। जहाँ पे द न्यूज मिंट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि एक बासी हुई इंसाती पूर्वानुयम के साथ पुलिस फिल्म होने के बावजूद ये यानी कि रजनीकांत का ट्रेडमार्क वाली स्वैग फिल्म है जो दृश्यों को जीवंत रखता है। जहां पे न्यूज़ 18 ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए जिसमें कहा गया था कि मूवी दरबार एक शानदार फिल्म है। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम दरबार मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, दरबार मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दरबार मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई किया है। दोस्तों, मूवी की बॉक्स ऑफिस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म के लिए। फिल्म के रिलीज पूर्व अधिकार 220 करोड़ में था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 28 मिलियन में बेचे गए थे। जो फिल्म के तमिलनाडु नाट्य अधिकार 60 करोड़ में बेचा गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 7.5 मिलियन में बेचे गए थे। कर्नाटक नाट्य अधिकार जो है 9 करोड़ में बेचे गए थे जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.1 मिलियन में बेचे गए थे। केरल में इस फिल्म के अधिकार को 6 करोड़ में बेचे गए थे जो यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर ले तो 7,50,000 में बेचा गया था। और आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात कर ले तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाते अधिकार जो 15 करोड़ में बेचा गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.9 मिलियन से अधिक में बेचे गए थे। और फिल्म के उत्तर भारत के अधिकार जिसमें जो है हिंदी डबिंग के साथ उपग्रह डिजिटल और साथ ही नाटकीय अधिकार जो है शामिल किए गए थे जहां पे 40 करोड़ से अधिक में बेचा गया था। यहां पे यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 5.0 मिलियन तक बेचा गया था। फिल्म ने विदेशी अधिकारों पर 37 करोड़ में बेचा गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.6 मिलियन के अधिकार में बेचे गए थे। फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार जो है 50 करोड़ में बेचा गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 6.3 मिलियन में बेचे गए थे। जबकि फिल्म के अन्य अधिकार 3 करोड़ में बेचा गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर 3,80,000 में बेचे गए थे। फिल्म ने कथित तौर पर अपने पहले दिन अकेले तमिलनाडु में 180 मिलियन के साथ जो है रुपए की कमाई की और इसने तमिलनाडु में लगभग जो है 110 करोड़ रुपए से आधे की कमाई की है। चेन्नई शहर के बारे में हम बात कर ले तो दरबार के लिए विशेष रूप से अच्छा था जहाँ पे इसने 14.67 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जबकि जो है केरल और कर्नाटक में इसने क्रमशः 8 करोड़ रुपए की कमाई की है। 24 करोड़ रुपए से एक तरह किए जाने के बाद इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से लगभग जो है 23 करोड़ रुपए और हिंदी संस्करण से लगभग जो है 15 करोड़ रुपए एक तरह किए। जो फिल्म ने पहले 11 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 1.35 बिलियन की कमाई की है। दरबार ने रिलीज होने के बाद 11 दिनों में दुनिया भर में 2 बिलियन से अधिक की कमाई की थी और फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने शुरुआती दिन में 4 लाख यूएस डॉलर की कमाई की। जो शुरुआती हफ्ता में दरबार ने यूएसए में 1 मिलियन से अधिक की कमाई किया जो 7.9 करोड़ की कमाई की थी। जहां पे 19 जनवरी 2020 तक फिल्म ने यूएसए में 1.6 मिलियन में बेचा गया था जहां पे 11.36 मिलियन करोड़ हो जाता है इंडियन रुपीज में। जो उद्धान वांछित के बारे में हम बात कर ले तो 11 दिनों में विदेशी बाजार में लगभग जो है 70 करोड़ से अधिक की संग्रह दरबार फिल्म ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो इसी तरह दरबार फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि दरबार फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे और विदेशी बाजारों में भी अच्छी कमाई की है। क्योंकि फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिलते हैं तो फिल्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिव्यू रेटिंग भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप दरबार फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेनिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यूट्यूब पर इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। दोस्तों, चलिए अब दरबार फिल्म के बारे में कुछ अननोन बातों को हम जानते हैं। अननोन बातों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरबार फिल्म में 2 दृश्य जो है शामिल किए गए थे जिसमें पात्र जेल के कैदियों को बाहर जाने और खरीदार के साथ जो है करने की अनुमति देती है।
किसी भी दृश्य में रजनीकांत धारा संवाद नहीं दिए गए हैं। हालांकि अभिनेता फिल्म में शॉट में मौजूद है, जहां पे लाइका प्रोडक्शन ने घोषणा किया था कि फिल्म में विवादास्पद यानी कि संवादों को हटा दिया जाएगा। इसे जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो इस फिल्म में उनके साथ जो है जयललिता के जेल में बंद सहयोगी बी के साथ जो है यानी कि सुशील काक के साथ संदर्भ माना जाता है। लाइका प्रोडक्शन ने ट्विटर पर एक जो है बयान जारी किया, जिसमें जो है लिखा गया था, दरबार फिल्म में विशेष यानी कि शब्दों इन संवादों में कैदियों के साथ जो है कि कैदी के बारे में दौरान जो है जेल या फिर जेल से जो है बाहर जाने के संदर्भ में केवल जो है दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने के इरादे से शामिल किया गया था। जहां पे संदर्भित जो है करता है कि इरादा किसी भी यानी कि विशिष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं थी और किसी को यानी कि ठेस पहुंचाने के बारे में भी नहीं था। हालांकि क्योंकि उनमें से कुछ जो है शब्द से कुछ जो है लोगों को ठेस पहुंची थी और इसीलिए हमने जो है इसे फिल्म से हटाने का फैसला किया था। यहां पे उसी के बारे में बात करते हुए एनडीटीवी के सैम यानी कि डिनियल ने लिखा है कि सुपरस्टार रजनीकांत के दरबार मूवी को देखने वाले प्रशंसक जो है जेलों के अंदर जो है अनियमितताओं पर उनके जो है संवादों को याद करेंगे, जो कई जो है लोगों ने महसूस किया था कि यानी कि उनके साथ जो है शशिकला इन साथ ही उनके साथ जो है नटराजन दिवंगत के साथ जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इनकी जयललिता की करीबी दोस्त थे। आपको बता दें हालांकि दरबार फिल्म 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई, जिसने 2.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है इंडियन रुपीज में, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 31 मिलियन से आधे की कमाई की। अधिक जो है उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की लागत और रिलीज से पहले के अधिकारों के कारण जो है वितरकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि व्यापार इन साथी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि फिल्म को वितरकों के लिए 700 मिलियन में और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 8.8 मिलियन का नुकसान हुआ था। जहाँ पे अल्लाह भाई कुंडा पर मल्लू मूवी श्रील के साथ जो है इनकी निके वरुख के साथ अपने प्रतिस्पर्धा के कारण जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में इसने जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जबकि जो है प्रचार की कमी के कारण हिंदी संस्करण का बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक था। जहां पे प्रदर्शन थी लाइका प्रोडक्शन को पूरा करने में फिल्म रहने के बाद जो फिल्म के नुकसान के बारे में कई जो है वितरकों ने और इस फिल्म के मुआवजे की मांग के लिए रजनीकांत से संपर्क करने की कोशिश की थी, जहां पे नुकसान की भरपाई नहीं होने पर उन्होंने इस फिल्म के लिए भूख हड़ताल करने की धमकी दी थी और कई उद्योग के साथ जो सूत्रों के अनुसार यह बाबा फिल्म 2002 के साथी यानी कि कुशेलन के साथ 2008 और लिंगा मूवी 2014 के बाद जो है वितरकों के लिए भारी नुकसान उठाने वाली चौथी जो रजनीकांत की फिल्म बन गई। दोस्तों फिल्म अच्छी कमाई करने के बाद भी मूवी क्यों इस तरह का, इस फिल्म के बारे में रिपोर्टर्स ने लिखा है कि फिल्म जो है बहुत ही बड़ी यानी कि नुकसान उठाने वाला फिल्म बन गया। दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में हम फिल्म कहानी को एनालिसिस करेंगे, मूवी की कहानी कैसे लिखी गई थी और फिल्म में आपको कितने पैसे जो है यानी कि इस मूवी ने दुनिया भर में कितने पैसे कमाए थे और फिल्म की कहानी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम बतलाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों फिल्म के देखते हुए विश्लेषकों ने खुलासा किया कि फिल्म के नुकसान अभिनेता और निर्देशक के लिए भारी जो है वेतन के कारण हुआ था। इससे जो है फिल्म की उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उसके बाद जो है डीटी नेक्स्ट ने अनुसार जो है अभिनेता रजनीकांत ने GST को शामिल करने के साथ जो है 108 करोड़ में और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन का वेतन दिया था और लगभग जो है 100 करोड़ के वेतन पाने वाले पहले तमिल अभिनेता बन गए थे। AR मुर्गा दास को 45 करोड़ दिया गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 5.6 मिलियन का वेतन मिला था, जबकि नयन तारा को लगभग जो है 6 करोड़ दिए गए थे, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 7,50,000 का वेतन मिला था। फिल्म का अंतिम बजट जो है 240 करोड़ था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 30 मिलियन थी और लाइका प्रोडक्शन ने लाभ हासिल करने के लिए। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है दरबार मूवी को। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो फिल्म को 9 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बात करें फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में रजनीकांत, नयन तारा, नवेता थॉमस एंड सुनील शेट्टी इस फिल्म में नजर आए हुए थे। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो AR मुर्गा दास ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी भी AR मुर्गा दास सर ने ही लिखे थे। तो दोस्तों फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात कर दो तो इस फिल्म को 190 करोड़ के बजट पर बनाया गया था
और इस फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई किया। तो दोस्तों फाइनली इस मूवी ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। फाइनली दोस्तों दरबार मूवी साउथ इंडियन की तमिल भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2020 की मूवी है, क्योंकि इस फिल्म को 190 करोड़ के बजट पे बनाया गया है और इस फिल्म ने 250 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है दरबार मूवी को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।